नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 11 देखेंगे SRA का, ठीक है। अब सेक्शन 11 हम देखने वाले हैं आज। इसके पहले जो हमारी सेक्शन है वो 10 हमने देखा था। 10 के साथ 11 2 भी हमारा हो गया है, ये सब क्लॉज 2 वाला भी हो गया है, और 14 ये किसके साथ, और 16 भी हमने 10 के साथ ही देखा था। तो आज हम 11 देखेंगे। तो 11 का फर्स्ट पार्ट ही बचा है, सेकंड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि दशाएं जिनमें न्यासों के साथ संबद्ध संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है, वे कौन सी सिचुएशन है जिसमें विनिर्दिष्ट पालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है, यदि कोई संविदा है, ठीक है, यदि किसी संविदा में किसी न्यास के, यदि किसी न्यास के पूर्णता या अंशता पालन में, यदि कोई संविदा है उसमें न्यास का पूर्णता या अंशता पालन कर दिया गया है, या तो पूर्ण तरीके से पालन कर दिया जाए या अंशता पालन कर दिया जाए, तो उसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। परंतु कब कराया जा सकता है, जब तक कि उसे मना ना किया गया हो, अन्यथा उपबंधित ना हो। अन्यथा उपबंधित मतलब जो 2 ये क्लॉज है, सेकेंड क्लॉज है, उसमें मना किया गया है। 14 में हमने देखा कि 14 में भी मना किया गया है, 16 में भी मना किया है, ठीक है। तो जहाँ मना किया है वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, परंतु जहाँ मना नहीं किया है वहाँ पर पूर्णता और अंशता पालन हो जाने पर भी संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। इसको पढ़ते हैं इस बार। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पहली बात हमारी ये कंप्लीट हो गई, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा, कोई संविदा है उसका विनिर्दिष्ट जो पालन है वो कराया जाएगा, जब किए जाने के लिए कारावासित करारित कार्य किसी न्याय के पूर्णता या अंशतः पालन में हो, ठीक है। यदि कोई करारी किया गया था, कोई संविदा की गई थी, उस संविदा में कोई न्यास था और उस न्यास में पूर्णतः पालन कर दिया गया है या अंशतः पालन कर दिया गया, उस न्यास का पूर्णतः या अंशतः कैसा भी पालन कर दिया गया हो, तो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। फिर से देखते हैं, सेक्शन 11 बताता है कि यदि कोई अन्यथा उपबंधित ना हो, तो किसी संविदा का, यदि किसी संविदा के न्यास में, यदि किसी संविदा के न्यास में उसके न्यास में पूर्णतः पालन हो गया है या अंशता पालन हो गया है, ठीक है, न्यास के पूर्णता या अंशता पालन में, यदि पूर्णता या अंशता पालन हो गया है, तो ऐसे न्यास में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, जब तक कि उसे अन्यथा मना ना किया जाए। सेकेंड क्लॉज भी एक बार देख लेते हैं, हालांकि ये हो चुका है। सेकेंड क्लॉज बताता है, किसी न्यासी द्वारा उसकी शक्तियों से बाहर या न्यास के भंग में की गई संविदा विनिर्दिष्ट प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती। इसमें ये बताया गया है, यदि कोई न्यासी है उसने उस संविदा के भंग में कोई कार्य किया है, किसी न्यासी ने संविदा के भंग में कोई कार्य किया है, ठीक है, जो न्यासी के तौर पर उस संपत्ति की उसे क्या करना था, रक्षा करना था, परंतु वो उस संपत्ति की रक्षा नहीं करता है और उसका भंग कर देता है, उस संविदा को ही भंग कर देता है, ठीक है, तो वहाँ पर विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, जहाँ उसने अपनी शक्ति से बाहर का कोई कार्य कर लिया है न्यासी ने, या फिर शक्ति से बाहर का कार्य कर लिया है और क्या कर लिया है, न्यास के भंग में कोई कार्य कर लिया है, तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो नहीं कराया जा सकता। फर्स्ट क्लॉज बताता है, ऐसा अधिनियम में अन्यथा उपबंधित की सेवा, जब तक कि मना ना किया जाए, तब तक यदि कोई संविदा की जाती है तो उस संविदा में न्यास का पूर्णता या भागता पालन हो गया है, यदि किसी न्यास में पूर्णता पालन हो गया है या भागता पालन हो गया है, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। और सेकंड क्लॉज कहता है कि यदि न्यासी ने क्या किया है, अपनी शक्ति से बाहर का जो शक्ति है उसको यूज़ किया है और न्यास के भंग में कोई कार्य किया है, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, ठीक है। अब हमारा 11 कंप्लीट हुआ, अब हम क्या देखेंगे, सेक्शन 12 देखेंगे। सेक्शन 12 बताता है कि संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन, जो संविदा का भाग है उसके भाग के बारे में, विनिर्दिष्ट पालन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। पहला क्लॉज बताता है, इस धारा में इसके पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन निर्देशित नहीं करेगा। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जो न्यायालय है वो क्या है कि संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन, ऐसे देखते हैं कि संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन नहीं निर्देशित करेगा। अब ये क्या है, ये सामान्य नियम है। सामान्य नियम क्या है कि न्यायालय किसी भी सिचुएशन में किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन कराना है तो भाग का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराएगा, हमें पार्ट देखना है। यहाँ पर पार्ट की बात की गई है कि जो न्यायालय किसी संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन निर्देशित नहीं करेगा। फिर से देखते हैं,
न्यायालय जो है फर्स्ट क्लॉज में यही बताता है, सामान्य नियम बताया गया है कि न्यायालय यदि किसी पार्ट का पालन हो गया है, संविधा के किसी भाग का पालन हो गया है, तो उसमें जो विनिर्दिष्ट पालन है वो नहीं कराएगा। ये सामान्य नियम है। इसके आगे जो सेकंड क्लॉज है वो ये बात बताता है कि जहाँ किसी संविधा का कोई पक्षकार उसमें कि उसके संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो, किंतु वह भाग जो अपालित रह जाता है मूल्य में पूरे भाग के अनुपात में बहुत कम हो और धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो, तो न्यायालय दोनों में से किसी पक्षकार के बाद पर संविधा का उतना विनिर्दिष्ट पालन करने का निर्देश दे सकता है जितना पालन किया जा सकता है और कमी के लिए धन के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णित किया जा सकता है। पहली बात हमें इसमें क्या याद रखना है, ऐसे याद रखेंगे, पहली बात हमें याद रखना है कि संविधा का कोई पक्षकार उसके संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो गया है। जैसे इतना बड़ा कार्य था, ठीक है, इसके इतने पार्ट को जो पालन है उतना, मतलब बहुत कम पार्ट को पालन करने में जो पक्षकार है वो असमर्थ हो गया है, किंतु वह भाग जो अपालित रह जाता है मूल्य में पूरे भाग के अनुपात में बहुत कम है। अब ये जो मूल है ये इतना बड़ा पार्ट है, इसमें से यदि कोई व्यक्ति इतना सा पालन नहीं करता है तो उसका मूल्य बहुत कम होगा, ठीक है, मूल्य में बहुत कम भाग का पालन वो नहीं कर पाता, ठीक है, असमर्थ हो जाता है। अपालित मतलब जिसका पालन नहीं हुआ है, ठीक है, मूल्य में पूरे भाग के अनुपात में बहुत कम है और धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है। अब इसमें क्या है कि इसका बंटवारा किया जा सकता है कि पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है और उसने जितने पार्ट का जो जो पालन नहीं किया है उसका मूल्य क्या है। जैसे 10,000 गेहूँ मंगवाने थे, 10,000 नहीं, 10 बोरी गेहूँ मंगवाने थे, ठीक है, 10 बोरी गेहूँ के लिए क्या है कि 10,000 का जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम बहुत छोटा अमाउंट रख रहे हैं, इससे समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है, 10 बोरी गेहूं के लिए 10,000 अमाउंट रखा था। अब वो क्या करता है, संविदा का पूरा पालन में वो छोटा सा, मतलब वो एक बोरी गेहूं लाने में असमर्थ हो जाता है। जहाँ की वह 10 में से एक बोरा गेहूं लाने में असमर्थ हो जाता है, तो यहाँ प्रतिकर करना, निर्धारण करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि एक बोरे पर 1,000 था, 10 बोरे पर 10,000 हैं। अब यदि व्यक्ति एक बोरा नहीं लाता है तो उसका 1,000 कट जाएगा, बचेगा कितना, 9,000। तो इसमें यही बात बताई गई है कि यदि जो व्यक्ति है वो पूरे भाग में से कुछ पार्ट का भाग का पालन करने में असमर्थ हो जाता है और उसके प्रतिकर का मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में पूरे भाग का पालन करा दिया जाएगा और जो जिस भाग का पालन नहीं किया गया है उसका जो पैसा है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि 10,000 देने थे, 10 बोरे गेहूँ आएंगे तब 10,000 देने थे, परंतु क्या होता है कि वो 9 बोरे गेहूँ लेकर आता है तो 9 बोरे गेहूँ के 9,000 हो गए, 1,000 बचा, तो 1,000 नहीं दिया जाएगा। मतलब जितना पालन उसने नहीं किया है उसका जो है निर्धारण करना आसान हो जाता है, तो उसका निर्धारण करके उतना का जितना पालन नहीं किया उसको कट कर दिया जाएगा और बाकी का पालन करा दिया जाएगा। इसको हम नंबर वाई देखते हैं। जहाँ किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें कि संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, कोई पक्षकार है संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात है, किंतु वह भाग जो अपालित रह जाना है, वह भाग जो अपालित रह जाना है, अपालित मतलब जिसका पालन नहीं किया जाना है, वह भाग क्या है, पूरे भाग के अनुपात में बहुत कम है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ बनता है, ठीक है, संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो जाता है व्यक्ति, और किंतु वह भाग जो अपालित रह जाता है, मतलब अपालित का मतलब जिसका पालन नहीं किया जाता है, जिसका पालन नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं किया जाता, ठीक है। तो मूल्य, यहाँ पर हमारा दूसरा क्लॉज कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्लॉज है कि संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो जाता है कोई व्यक्ति, कोई पक्षकार, कोई भी पक्षकार है संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो गया, किंतु वह भाग जो अपालित रह गया है, मतलब जिसका पालन नहीं हुआ है, तो यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा, किंतु वह भाग जो अपालित रह गया मूल में पूरे भाग के अनुपात में बहुत कम है, बहुत कम भाग ऐसा है जिसका पालन नहीं हुआ है और उसके लिए धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है। यहाँ पर हमारा क्या है, थर्ड क्लॉज यहाँ पर यह बनता है कि उसके लिए धन के रूप में प्रतिकर दिया जा सकता है, तो न्यायालय दोनों में से किसी पक्षकार के बाद पर, अब दोनों में से कोई भी पक्षकार यहाँ पर बाद ला सकता है, तो ये फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ बनता है। पानी भर गया। में से किसी पक्षकार के वाद पर, दोनों में से अगर कोई भी पक्षकार है वो कहता है, वाद लाता है कि जो पूरा भाग है उसमें से कुछ पार्ट है उसका जो पालन नहीं हुआ है, तो
उसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जाए। ठीक है, तो यदि कोई भी पक्षकार वाद लाता है विनिर्दिष्ट पालन करने के लिए, विनिर्दिष्ट पालन करने के लिए मतलब जितना उसने भाग पालन कर दिया है उतने का ही करा दूँ, जितना नहीं हुआ है तो उसको अलग कर दूँ। ठीक है, इसके लिए कोई वाद लाता है तो न्यायालय निर्देश दे सकेगा। न्यायालय निर्देश मतलब आदेश कर सकेगा। कैसा कर सकेगा आदेश? पांचवा पॉइंट हमारा यहाँ बनता है, कर सकेगा और कमी के लिए धन के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णित कर सकेगा। मतलब न्यायालय निर्देश कर देगा और विनिर्दिष्ट पालन करा देगा, और जितने भाग का पालन नहीं किया है उतने भाग को यहाँ पर कट कर दिया जाएगा, उतने को पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितने नंबर कंप्लीट हुए? 5 नंबर कंप्लीट हुए। पहले में था कि संपूर्ण भाग ऐसा है, यदि कोई पक्षकार संपूर्ण भाग के पालन में, ठीक है, उसमें से कुछ पालन संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, कोई पक्षकार संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, किंतु वह भाग जिसका अपालित रह गया है मूल्य में पूरे भाग की तुलना में बहुत कम है और उसके लिए प्रतिकर दिलाया जा सकता है, तो दोनों में से कोई भी पक्षकार यदि वाद लाता है कि ऐसे भाग का विनिर्दिष्ट पालन करा दिया जाए तो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकेगा कि ऐसा जो विनिर्दिष्ट पालन है वो करा दिया जाए, और इसके लिए कमी के धन के प्रतिकर के रूप में जिस भी व्यक्ति को, जिस पक्षकार को पूरा सामान नहीं मिला है, तो उसे जैसे पूरे सामान के लिए पूरा पैसा देना था तो जितना भी सामान नहीं मिला है तो उतना पैसा यहाँ से कट जाएगा, तो कमी के लिए धन के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णित कर सकेगा। धन के रूप में यहाँ पर क्या कर सकेगा? न्यायालय क्या करेगा? उसको प्रतिकर दिलाया जा सकेगा। ठीक है, मतलब जितना, जैसे 10,000 की बात थी यहाँ पर, ठीक है, 10 बोरे के लिए थी, उसने एक बोरा पैसा नहीं दिया है, एक बोरा नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या है, एक बोरे के लिए न्यायालय यहाँ पर प्रतिकर दिला सकता है। जितना उसने पालन नहीं करा है उतने के लिए प्रतिकर निर्धारण करना आसान हो जाता है, तो उतने के लिए यहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, उसको प्रतिकर दिला देगा जितने की उसकी कमी हुई है, मतलब जितने भाग का पालन नहीं हुआ है। और इसमें जो सेक्शन 12 है, ये सेक्शन 12 यही बात बताता है। फर्स्ट क्लॉज में सामान्य नियम बताया गया है कि यहाँ जो नीचे बताई गई दशाएं हैं इनके अलावा किसी संविदा के भाग का, यहाँ पर हमें याद रखना है, भाग का विनिर्दिष्ट पालन नहीं होगा, पार्ट का विनिर्दिष्ट पालन नहीं होगा। ये 2018 का अमेंडमेंट है, इसलिए आपको न्यू वेयर एक्ट के साथ ही पढ़ना होगा, क्योंकि पुराने वेयर एक्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो थर्ड क्लॉज है वो ये बताता है, जहाँ किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें से उसके संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो और वह भाग जो अपालित रह जाना है या तो संपूर्ण का कोई प्रचुर भाग हो, यद्यपि धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो। ठीक है, जहाँ किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें के संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो, सिचुएशन क्या है कि कोई पक्षकार है उसका पूरा पालन करने में असमर्थ हो और वह भाग जो अपालित रह जाता है, अब यहाँ पर जो भाग है वो अपालित रह जाता है तो क्या होता है, तो संपूर्ण का कोई प्रचुर भाग हो यद्यपि धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो। ठीक है, प्रचुर का मतलब बड़ा भाग है, यहाँ पर बड़ा भाग है। ठीक है, वहाँ पर क्या था, सेकंड वाली क्लॉज में बता रहा था कि जिसका पालन नहीं हुआ है वो बहुत छोटा पार्ट है, जिसका पालन नहीं हुआ वो बहुत छोटा पार्ट है और उसका प्रतिकर निर्धारण हो सकता है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति को प्रतिकर दिला देगा। अब यहाँ पर ये बताता है कि जहाँ के कोई भाग है उसका कोई ऐसा भाग है, बड़ा भाग है, बड़े भाग का पालन नहीं हो रहा और बहुत छोटे भाग का पालन हो रहा है, उसका क्या है, प्रतिकर हो सकता है, यद्यपि धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, मतलब उसका प्रतिकर भी हो सकता है, तो सेकंड क्लॉज बताता है कि धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता हो, वह विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है। क्या है इसमें, ये बताता है कि धन के रूप में जो धन है उसके रूप में प्रतिकर जो है अधिनिर्णित, धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता है, मतलब धन के रूप में उसका प्रतिकर नहीं दिया जा सकता, तो वह विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है। यहाँ पर पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि यदि किसी संविदा की है और संविदा का जो बड़ा भाग है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, प्रचुर भाग मतलब बड़ा भाग है, प्रचुर का मतलब क्या होता है, बड़ा भाग है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है और उसका जो है धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है। ठीक है, और नीचे बताता है, ये सेकंड वाला भी बताता है कि धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता है,
हो भी सकता हो या नहीं भी हो सकता हो, ठीक है। जहाँ पर बड़े भाग का पालन नहीं किया गया है तो वहाँ प्रतिकर जो है वो दिया भी जा सकता है। धन का निर्धारण, प्रतिकर का निर्धारण हो सकता हो या नहीं हो सकता हो, कोई भी सिचुएशन हो, परंतु उसमें न्यायालय क्या करेगा, डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। उसमें न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन के लिए कभी आज्ञा नहीं देगा। पहली बात तो इसमें ये बता दी। दूसरी बात ये किंतु है, किंतु से यहाँ पर जो है बात बदल जाती है। किंतु क्या कहता है, किंतु न्यायालय दूसरे पक्षकार के बाद पर व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को संविदा के उतने भाग का विनिर्दिष्ट पालन करने का निर्देश दे सकेगा जितना वह पालन कर सकता है यदि उसका दूसरा पक्षकार। अब हमें यहाँ की ये जो बात है इसके साथ पढ़ने हैं, कहाँ इसके साथ पढ़ने हैं, ये वाला है जो, ठीक है, देखते हैं। खंड का और खा के अधीन, ठीक है, आने वाली किसी दशा में उस भाग के लिए जो अपालित रह जाता है प्रतिफल घटाकर संविदा के संपूर्ण भाग संपूर्ण के लिए करारित प्रतिकर दे दे या दे चुका हो, और खंड खा के अधीन आने वाली किसी दशा में बिना किसी कमी के संविदा के संपूर्ण के लिए प्रतिफल दे दिया गया। बड़ी बात है। अब क्या बात करता है, इसमें ये बताई गई है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये बताया गया है जो थर्ड क्लॉज है इसमें ये बताता है कि यदि कोई संविदा हुई थी, संविदा में बड़े भाग का पालन नहीं हुआ, ठीक है, बड़े भाग का पालन नहीं होता है, तो जो ये बताता है कि उसका अगर जो प्रतिकर है वो निर्धारण हो सकता है, तो यदि प्रतिकर निर्धारण हो सकता है तो वहाँ पर यदि कोई पक्षकार है जो व्यथित पक्षकार है वो कहता है न्यायालय से कि मुझे ऐसा जो क्षति हो रही है तो वो हो जाने दीजिए, मुझे जो सामने वाले से संपत्ति चाहिए, जो भी सामान चाहिए वो अत्यावश्यक है, मुझे ज़रूरी ही चाहिए है, और मैं इसके लिए विनिर्दिष्ट पालन आप करा दीजिए, ठीक है। अगर वो साफ साफ न्यायालय से कहता है कि मुझे इसका पालन करा दीजिए और जितने का प्रतिकर है उतना मुझे प्रतिकर दिला दीजिए और बाकी का मुझे सामान दिला दीजिए, ठीक है, अगर वो ऐसा सहमत हो जाता है तो यहाँ पर न्यायालय ऐसा विनिर्दिष्ट पालन करा सकता है। सेकेंड क्लॉज बताता है खा के अधीन आने वाली किसी दशा में। अब खा के अधीन में ऐसा है कि जहाँ उसका प्रतिकर का निर्धारण नहीं हो सकता, अगर प्रतिकर का निर्धारण नहीं हो सकता तो क्या है कि पक्षकार है वो कहता है कि न्यायालय से कहता है कि इसने मुझे सामान नहीं दिया है, जैसे 10 बोरी गेहूं की हम बात लेके चल रहे थे, अगर व्यक्ति कहता है कि मुझे 10 बोरी गेहूं भले ही नहीं मिले हैं परंतु मैं इसे 10,000 रुपये देना चाहता हूँ, लो, अब वो देना चाहता है तो न्यायालय क्या कहेगा, न्यायालय कहेगा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, तो फिर वो क्या करेगा, विनिर्दिष्ट पालन करा देगा। दोनों में से प्रत्येक दशा में संविदा के भाग के पालन के समस्त दावों और या तो कमी के लिए या प्रतिवादी के प्रतिक्रम के कारण उसके द्वारा उठाई गई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के समस्त अधिकारों को त्याग दे, और उसे साथ साथ ये भी कहना होगा दूसरे पक्षकार, ठीक है, दूसरा पक्षकार पहली बात तो ये कहेगा कि यदि उसका जो प्रतिकर है प्रतिकर निर्धारण हो सकता है, प्रतिकर निर्धारण हो सकता है तो प्रतिकर निर्धारण कराकर मुझे जितना पैसा मुझे देना चाहिए, सामान मुझे जितना मिल रहा है उतना मुझे सामान दिला दीजिए, उतने का मैं, जैसे 10,000 गेहूँ थे, 5 उसको क्या हो रहा है यहाँ पर बड़ा भाग है तो बड़ा भाग मतलब 8 बोरा गेहूँ यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, उसे 2 बोरा मिल रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, व्यक्ति कहेगा कि ठीक है मुझे 2 बोरा गेहूँ यहाँ पर दिला दीजिए, और क्या है कि 2 बोरे का मैं 2,000 रुपये दे दूंगा, बाकी का मुझे प्रतिकर दिला देना, न्यायालय से ऐसा कहेगा, तो फर्स्ट क्लॉज में ये हो जाएगा। सेकेंड क्लॉज में ये बताता है कि जैसे 10,000 बोरे के लिए बात थी और 10,000 रुपये देने थे और 10 बोरे के लिए बात थी, अब वो क्या कहता है कि प्रतिकर निर्धारण कठिन हो गया है, जहाँ की सेकेंड क्लॉज में, अब प्रतिकर निर्धारण कठिन हो गया है तो क्या होगा, प्रतिकर निर्धारण कठिन हो गया है तो वो पूरा पैसा दे देता है, कहता है कि भैया मुझे जितना पालन हो रहा है तो उतना पालन होना चाहिए और पूरा पैसा रखो, तो सामने वाले को दे देता है, ठीक है, और साथ ही साथ वो न्यायालय में ये भी बात कहेगा कि मेरे पास जो विनिर्दिष्ट पालन का, ठीक है, वो कहेगा दोनों में से प्रत्येक दशा में संविदा के भागी पालन के समस्त दावों, मतलब वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि इस से रिलेटेड कोई भी दावा मैं लाने का अधिकारी नहीं हूँ, इस अधिकार को उसे त्यागना होगा कि इससे रिलेटेड मैं बाद में ये बात नहीं लाऊंगा कि इसने मेरा विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया था, इसने मेरी संविदा पूरी नहीं की थी, इसने ऐसा नहीं किया था, वैसा नहीं किया था, अपने उसने जो हानि उठाई है उसके लिए भी प्रतिकर के लिए बाद में कोई बात नहीं लाएगा, तब न्यायालय क्या करेगा, वो कहेगा मैं अपने सारे अधिकार यहाँ पर त्यागता हूँ, तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय कहेगा कि ठीक है अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो न्यायालय ऐसा विनिर्दिष्ट पालन करा सकता है, ठीक है। एक बार इसे पढ़ भी लेते हैं। थर्ड क्लॉज कहता है जहाँ की किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें कि उसके संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो और वह भाग जो अपालित रह जाता है या तो
ठीक है, कोई पक्षकार है संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ है, और जिस भी भाग का पालन करने में असमर्थ है वह संपूर्ण भाग का कोई प्रचुर भाग है, मतलब बड़ा भाग है, कोई ऐसा प्रचुर मतलब बड़ा भाग है जिसका पालन नहीं किया जा सकता, तो धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है। ठीक है, अगर धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, यहाँ पर लिखी हुई है ये जो बात है कि का के अधीन आने वाली किसी दशा में उस भाग के अधीन जो अपालित रह जाता है प्रतिफल घटाकर संविदा के संपूर्ण के लिए करारित प्रतिफल दे दिया चुका हो। ठीक है, इसमें क्या है, जो प्रतिफल है वो क्या करता है कि वो कहता है जितना मुझे सामान मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतने का मैं पैसा दे दूंगा, और बाकी जो नहीं मिल रहा है उतने को मैं यहाँ पर पैसे काट लूँगा। तो वहाँ वो ना सामान चाहिए ना पैसा चाहिए, ठीक है, जिसका भाग हो सकता है। ठीक है, 10 बोरी गेहूँ आ गए, 5 बोरी गेहूँ आ गए जैसे, तो वो 5,000 दे देगा। ठीक है, वो कहता है कि अगर 5 नहीं आए तो उसको काट लूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में ये है कि यदि कोई बड़ा भाग है जिसका पालन नहीं हो सकता है उसका परंतु प्रतिकर निर्धारण हो सकता है, तो जिसका प्रतिकर निर्धारण हो जाएगा उस सिचुएशन में जितना भी प्रतिकर निर्धारण हो जाएगा उतना वो जितना जिसके जितना उसे सामान मटेरियल मिला है उतना वो पैसा दे देगा, बाकी का पैसा काट लेगा। अब सेकंड क्लॉज बताता है धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता है, दूसरे में बताया गया है जहाँ पर धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता है वह विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई डिग्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है। पहली बात तो ये बता दी कि जहाँ कोई विनिर्दिष्ट पालन है वो नहीं करा सकता यदि उसका धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सक मतलब बताए वहाँ पर निर्धारण ही करना कठिन हो गया है, धन के रूप में प्रतिकर दिया ही नहीं जा सकता, कोई ऐसे बड़े भाग का अपालन हो चुका है तो क्या होगा। न्यायालय दूसरे पक्षकार की बात पर, अब जो दूसरा पक्षकार है वो क्या करता है, व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को संविदा के उतने भाग का विनिर्दिष्ट पालन करने का निर्देश दे सकेगा जितना वह पालन कर सकता है यदि दूसरा पक्षकार। ठीक है, इसमें सेकंड क्लॉज में ये बताता है कि जितना भी वो पालन कर सकता है, 1 बोरा ला सकता है, आधा बोरा ला सकता है, 2 बोरा ला सकता है, जितना बोरा ला सकता है, जितना पालन कर सकता है उतना पालन करने के लिए यदि जो दूसरा पक्षकार है जो पालन कराना चाहता है संविदा, जो चाहता है कि मेरे पास 2 बोरा भी अगर गेहूँ है तो मुझे ऐसी ज़रूरत है कि तुम मुझे 2 बोरा भी गेहूँ दे दो तो चलेगा, अगर वो न्यायालय से कहता है कि जितना पालन हो सकता है उतना पालन मुझे करा दीजिए, तो न्यायालय ऐसा क्या करेगा, तो खा के अधीन आने वाली किसी दशा में बिना किसी कमी के, ठीक है, संपूर्ण संविदा के संपूर्ण के लिए प्रतिफल दे दे चुका हो। अब इसमें क्या बताई गई है कि जहाँ पर उसका धन का निर्धारण करना कठिन हो जाता है, उसको प्रतिकर को काटा नहीं जा सकता, 10,000 का 10 बोरा तो यहाँ पर सीधा सीधा हो गया, उसका निर्धारण हो गया, अब पता ही नहीं है कि कितने बोरे का कितना पैसा था। ठीक है, जहाँ पर निर्धारण करना कठिन हो जाता है और जो व्यक्ति ऐसा पालन कराना चाहता है वो न्यायालय से कहता है कि यदि मुझे 2 बोरे गेहूँ भी मिल रहे हैं तो सफिशियंट है, मुझे इससे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए परंतु मुझे पालन करा दिया जाए संविदा का, तो न्यायालय क्या करेगा, उसको पूरा पैसा दिलवाएगा। अगर 10,000 की बात थी, 20,000 की बात थी, 50,000, जितना भी पैसा अमाउंट यहाँ पर रखा हुआ था वो पूरा पैसा किसको दिलाएगा, जो कोई संविदा का पूरा पालन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिससे सामान मिल रहा है उसको पूरा पैसा देना होगा और जितना वो पालन कर सकता है उतना पालन यहाँ पर कराया जा सकता है। ठीक है, दोनों में से प्रत्येक दशा में संविदा के बाकी भाग के पालन के समस्त दावों और या तो कमी के लिए या प्रतिवादी के व्यतिक्रम के कारण उनके द्वारा उठाई हुई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के समस्त अधिकारों को त्याग दें। अब इसमें न्यायालय ये अधिकार विनिर्दिष्ट पालन तभी करा सकेगा जब वो कहेगा कि इससे रिलेटेड तुम कोई भी बात नहीं लाओगे, ये पक्षकार स्वीकार कर ले कि मैं इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं लाऊंगा, मुझे कोई हानि भी होती है तो उसके लिए मैं बाद में बात नहीं लाऊंगा और मैं अपनी जो सारे अधिकार हैं वाद लाने के वगैरह वगैरह इस वाले मामले से रिलेटेड उसके लिए सारे अधिकार को त्यागता हूं, तो न्यायालय ऐसे में क्या कर सकता है, उसका विनिर्दिष्ट पालन करा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो पक्षकार है वो स्वयं ही यहाँ हानि उठाने के लिए बैठा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो न्यायालय कहता है कि ठीक है जब तुम्हें फर्क नहीं है तो मुझे क्या है। फोर्थ क्लॉज बताता है जब किसी संविदा का कोई भाग जो उसके स्वयं के द्वारा लिया जाए या विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है और किया ही जाना चाहिए, उसी संविदा के अन्य भाग का जिसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता है, किया ही नहीं जाना चाहिए, पृथक और स्वतंत्र आधार पर खड़ा हो, न्यायालय पूर्ववर्ती भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकता है। इसमें ये बताता है कि यदि 2 सामान हैं, ठीक है, 2 सामान है, इसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है,
इसका नहीं कराया जा सकता है, जब किसी संविदा का कोई भाग जो उसके स्वयं के द्वारा लिया जाए, ठीक है, या विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है, ठीक है, किया ही जाना चाहिए, उसी संविदा के अन्य भाग का जिसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता या किया ही नहीं जाना चाहिए, सिर्फ पृथक और स्वतंत्र आधार पर खड़ा हो, तो न्यायालय पूर्ववर्ती भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा। अब इसमें ऐसा है कि व्यक्ति को क्या चाहिए, यदि एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको कितना दूंगा, 20,000 रुपये दूंगा, ठीक है, 20,000 में क्या है, 10 बोरी चावल 10 बोरी गेहूँ दे देना, ठीक है। अब 10 बोरी चावल और 10 बोरी गेहूँ की बात हुई थी यहाँ पर, अब जो सामने वाला पक्षकार है वो आके कहता है कि मैं यहाँ पर गेहूँ का जो सामान है, गेहूँ मटेरियल, वो तो मैं नहीं दे सकता, इसका पालन करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ, ठीक है। तो चावल, अगर वो चावल का पालन कर सकता है तो न्यायालय जो स्वतंत्र है, जो उससे अलग है, तो जितने भाग का पालन कर सकता है उतने भाग का यहाँ पर विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, ठीक है। कोई दो सामान है, फिर से देखते हैं, कोई ऐसी संविदा है जिसमें संविदा में पृथक पृथक चीज़ें थीं, ठीक है, अलग अलग जो पालन है संविदा का किया जाना था, तो जिसका पालन किया जाना था, ठीक है, तो उसका पालन, अगर वह पृथक है तो उसका पालन कराया जा सकता है, जिसका पालन कराया जा सकता है, मतलब वो व्यक्ति जो सामने वाला है, वो पक्षकार, ऐसी कोई संविदा है उसका आधे का भाग को पालन कर सकता है, आधे का नहीं कर सकता है, तो आधे जिसका वो कर सकता है और वो स्वतंत्र है, तो ऐसी चीज़ का यहाँ पर पालन कराया जा सकता है। गेहूँ और चावल के लिए यहाँ पर बात हुई थी, अगर वो चावल सक्षम है चावल देने के लिए तो चावल उसको दिला दिया जाएगा, अगर गेहूँ सक्षम है देने के लिए तो गेहूं दिला दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, ठीक है, और दोनों का पैसा भी अलग अलग था, 10-10 हज़ार था, तो भैया 10 हज़ार का तुम या तो चावल दे दो या गेहूं दे दो, जो भी दोगे उसका पैसा ले लेना, मतलब दो चीज़ अलग होनी चाहिए, तो न्यायालय उसका विनिर्दिष्ट पालन यहाँ पर भी करा देगा। स्पष्टीकरण बताता है, इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें कि किसी उसमें संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ माना जाएगा, यदि उसकी विषय वस्तु का कोई भाग संविदा की दिनांक को विद्यमान हो, उसके पालन के समय विद्यमान ना रह गया। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें पहली बात तो ये बताया गया है कि यदि कोई संविदा के भाग का पालन करने में कोई व्यक्ति असमर्थ है, ये कब समझा जाएगा, संविदा का पालन करने में कोई व्यक्ति है ये कब असमर्थ है, ये कब समझा जाएगा, तो दो सिचुएशन बताता है। जैसे 10 तारीख को 10 मई को 10 मई को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मेरे पास चावल है, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे इतना पैसा दे देना, जितना भी पैसा इन लोगों के बीच में डिसाइड हुआ। अब 20 तारीख को इसकी डिलीवरी होनी थी, ठीक है, 20 तारीख को उसने कहा था 20 मई को तुम मुझे चावल या गेहूँ कुछ भी दे देना। अब 20 मई को यहाँ पर डिलीवरी होनी थी, तो असमर्थता किस दिन मानी जाएगी, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस दिन संविदा हुई थी 10 मई को, तो उस दिन के लिए यहाँ पर बात नहीं करता है। उस दिन भले ही उसके पास मटेरियल हो, उससे कोई फर्क नहीं है, परंतु जिस दिन उसकी डिलीवरी की जानी थी, मतलब 20 मई को जिस दिन डिलीवरी की जानी थी, उस पर यदि उस दिन यदि उस पक्षकार के पास सामान नहीं है, तो न्यायालय मानेगा कि ऐसा व्यक्ति जो है वो संविदा का पालन करने में क्या हो गया है, असमर्थ हो गया है, ठीक है। इस सेक्शन 12 को हम फिर से देखते हैं, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं, 11 भी देखते हैं। 11 क्या बताता है कि 11 में बताएंगे ही दशाएं जिसमें न्यासों के साथ संबंध संविदा को विनिर्दिष्ट पालन पर वर्तनी है। पहली बात बताता है कि यदि कोई संविदा है, ठीक है, संविदा है जिसमें न्यास के पूर्णता या अंशता पालन कर दिया गया है, किसी संविदा में न्यास था और न्यास का पूर्णता या अंशता पूर्ण तरीके से या अंशता उसका भाग का पालन कर दिया गया है, तो उसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा, जब तक कि उसे अन्यथा उपबंधित ना हो, जब तक कि उसे अन्यथा तत्प्रतिकूल संविदा ना हो, मतलब उसे मना ना किया जाए, और यदि किसी न्यास के भागता है या पूर्णता उसका पालन हो गया है, तो इसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। सेकेंड क्लॉज कहता है कि यदि कोई न्यासी है वो अपनी शक्तियों से बाहर या न्यास के भंग में कोई कार्य करता है, तो उसका विनिर्दिष्ट पालन जो है वो नहीं कराया जा सकता। कोई न्यासी शक्तियों के बाहर और न्यास के भंग में कोई संविदा करता है, कोई कार्य करता है, तो उसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा। अब 12 है, 12 बताता है संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन, यदि कोई संविदा है, तो फर्स्ट क्लॉज बताता है यदि कोई संविदा है तो उसके भाग का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। पहले ये सामान्य नियम बताता है फर्स्ट क्लॉज। सेकेंड क्लॉज में बताया गया है कि यदि कोई संविदा ऐसी है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। सेकंड क्लॉज में बताया गया है कि यदि कोई संविदा है जिसका कोई पक्षकार है, यदि कोई संविदा है उसका कोई पक्षकार, ठीक है, उसका पक्षकार क्या है, उसका
संपूर्ण भाग का पालन करने में तो समर्थ है, परंतु उसका कुछ भाग का पालन करने में असमर्थ है, मतलब बहुत छोटा भाग है उसका पालन करने में असमर्थ हो जाता है, और उसका प्रतिकर यहाँ पर निर्धारण किया जा सकता है। तो दोनों भी पक्षकार, कोई भी पक्षकार यहाँ पर क्या करेगा, आवेदन करेगा, तो न्यायालय किसी भी पक्षकार के आवेदन पर यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा देगा, और जितना का पालन हो गया है उतने का पैसा दिला दिया जाएगा, और जितने का पैसा नहीं, जितना का पालन नहीं हुआ है, जैसे इतने का पालन नहीं हुआ है तो इतने के लिए क्या है, जिस पक्षकार को ऐसा नुकसान हुआ है उस पक्षकार को क्या है, प्रतिकर दिला दिया जाएगा। सेकंड क्लॉज देख लिया। थर्ड क्लॉज बताता है कि यदि कोई भाग ऐसा है जिसका बड़े भाग का पालन नहीं हो सकता है और छोटे भाग का पालन हो सकता है, यहाँ पर उल्टी बात आ गई है, यहाँ पर छोटे भाग का पालन हो सकता था और प्रतिकर का निर्धारण हो सकता था, और थर्ड क्लॉज बताता है, ये थर्ड क्लॉज है, बताता है कि पूरे भाग का पालन नहीं हो सकता परंतु छोटे भाग का पालन हो सकता है, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, विनिर्देश पालन नहीं कराया जा सकता। परंतु इसमें और दो बात बताई गई हैं कि यदि कोई पक्षकार है वो उसका जो प्रतिकर है निर्धारण किया जा सकता है, इस छोटे से भाग का जिसका वो पालन करने के लिए समर्थ है और उसका प्रतिकर का निर्धारण किया जा सकता है, इस पूरे भाग का यदि वह क्या करता है कि पालन नहीं करता है, तो इसका प्रतिकर का यदि निर्धारण हो सकता है तो न्यायालय क्या करेगा, जितने भाग का पालन हो सकता है उतने भाग का पालन करा देगा, और जितने का नहीं हो सकता उसका प्रतिकर का निर्धारण हो जाएगा, तो उस जिसे क्षति हुई है ऐसे पक्षकार को, उसको क्या करेगा, उसको प्रतिकर दिला देगा। फर्स्ट बात हो गई हमारी, ठीक है। यदि कोई बड़ा भाग है जिसका बड़ा भाग का पालन नहीं हो सकता है संविदा में, परंतु छोटे भाग का पालन हो सकता है, तब भी यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो न्यायालय से कहता है कि सामने वाले पक्षकार से मुझे जितने भी भाग का पालन हो रहा है, ठीक है, उस में से मुझे जितना पालन हो रहा है मुझे वो पालन करा दीजिए, बाकी का मुझे प्रतिकर दिला दीजिए, तो यदि उसमें प्रतिकर का निर्धारण होता है तो बाकी के बचे के लिए न्यायालय यहाँ पर प्रतिकर दिला देगा उस पक्षकार को। अब दूसरी बात बताता है कि जहाँ पर पक्षकार का यहाँ पर प्रतिकर का निर्धारण नहीं हो सकता है, जिस भाग का पालन नहीं हुआ है, बड़े भाग का पालन नहीं हुआ, वहाँ पर प्रतिकर भी निर्धारण नहीं हो सकता है, तो न्यायालय अगर पक्षकार कहता है कि फिर भी मुझे जितने का पालन हो रहा है उतना करा दीजिए, भले ही मुझे प्रतिकर ना मिले, तो यहाँ पर पूरा अमाउंट देना होगा। फर्स्ट में क्या करना था, उसे जितने प्रतिकर जहाँ निर्धारण हो रहा था तो जितना उसको लगना था उस सिचुएशन में, तो उतना देगा वो पैसा। जैसे 5 बोरे के लिए 5,000 था, 3 बोरा अगर उसे नहीं मिलता है, 2 बोरा मिलता है, तो 2 बोरे के लिए वो 2,000 दे देगा, यहाँ प्रतिकर का निर्धारण हो गया। अब जो सेकंड क्लॉज है, जहाँ पर प्रतिकर का निर्धारण नहीं हो पाता है, जहाँ पर 5,000 उसने कहा ही था कि हम 5,000 दे देंगे, तुम हमें चाहे जितना गेहूँ दे देना, ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिकर का निर्धारण नहीं हो जाता है और पक्षकार कहता है कि मैं ऐसा सहने के लिए, हानि उठाने के लिए सही हूँ, मेरा जितना यहाँ पर पालन हो सकता है उतना पालन करा दीजिए, भले ही मुझे प्रतिकर ना मिले, तो न्यायालय यहाँ पर क्या करेगा, पूरा पैसा दिलवाएगा। जहाँ प्रतिकर का निर्धारण नहीं हो सकता वहाँ न्यायालय पूरा पैसा दिलवाएगा, जहाँ प्रतिकर का निर्धारण हो सकता है वहाँ उसका जितना प्रतिकर उसका बनता है उतना दिलाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पैसा दिलाएगा और उन पक्षकारों से कहेगा कि तुम्हें इस शर्त के साथ ऐसा विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, यदि तुम कहो कि मैं अपने इस संविदा से रिलेटेड सारे जो अधिकार हैं वो त्याग दूंगा, ठीक है, और बाद में बाद लाने का अधिकार और ऐसी क्षति के लिए बाद लाने का अधिकार तुम्हें त्यागने होंगे, तो ही ऐसा जो परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, वो कराई जा सकती है। ये जो ये वाला पॉइंट है वो यही बात करता है कि दोनों पक्षकार के न्यायालय कहेगा, जो पक्षकार ऐसा हानि उठाने के लिए अभी सहमत है, कहता है मुझे जितना हो सकता है उतने का मुझे करा दीजिए, जितना नहीं हो सकता है उतने का मत कराइए, जहाँ प्रतिकर जितना डिवाइड हो सकता है उतना पैसा दे दूंगा, प्रतिफल डिवाइड हो सकता है वहाँ दे दूंगा, जहाँ प्रतिफल डिवाइड नहीं होता है मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, तो न्यायालय यहाँ पर क्या करेगा, उन पक्षकार से कहेगा कि तुम ऐसे वाद इस संबंध से रिलेटेड नहीं लाओगे, तो ऐसे व्यक्ति यदि तैयार हो जाते हैं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसका कराया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि यदि किसी संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन कराना है और दो उसमें संविदा हैं, यदि एक संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराना है, यहाँ पर जैसे गेहूं और चावल की बात मैंने ली थी, तो यदि वो चावल का भाग का पालन कर देता है या गेहूँ के भाग का पालन करता है, मतलब ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, दोनों का जो प्रतिफल है वो भी अलग अलग था, मतलब जितना अमाउंट उन्हें पे करना था, तो जितने का पालन हो सकता है ये दोनों चीज़ें अलग हैं, तो जितने का पालन हो जाएगा उतने का न्यायालय यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा देगा, जितने का नहीं हो सकता है उतने का नहीं कराएगा। स्पष्टीकरण ये बताता है कि यदि कोई अक्षम है कोई व्यक्ति, यहाँ संविदा का पालन करने में असमर्थ है कोई व्यक्ति, कब समझा जाएगा, तो जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस दिन उसके पास यदि पर्याप्त सामान होता है,
तो यहाँ पर असमर्थता नहीं समझी जाएगी। जिस दिन उसे डिलीवरी करनी है माल की, उस दिन यदि उसके पास सामान नहीं होता है, मटेरियल नहीं होता है, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति के पास क्या है, असमर्थ हो गया है ऐसा संविदा का पालन करने में। तो हमारा यहाँ पर सेक्शन 12 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अच्छा, तो अब हम क्या सेक्शन 13 देखेंगे। सेक्शन 13 SRA में बताता है, क्रेता या पट्टेदार के उस व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार जिसका कोई हक नहीं या अपूर्ण हक है। इसको बात समझिएगा, यदि कोई ऐसा विक्रेता है, ठीक है, जैसे ए है, ए कहता है बी को कि मेरी संपत्ति, ये वाली संपत्ति जो है वो मेरी है और तुम इसे खरीद लो, ठीक है। तो ए ने यहाँ पर प्रवंचना की है कि मेरी जो संपत्ति है इसे तुम खरीद लो। तो जिस संपत्ति के बारे में उसने कहा है कि ये मेरी संपत्ति है इसे तुम खरीद लो, इतने रुपए में खरीद लो, वो संपत्ति एक्चुअली में, मतलब वास्तव में ए की है ही नहीं। जो व्यक्ति कहता है कि मेरी संपत्ति खरीद लो, उसकी संपत्ति ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यदि क्रेता ऐसे खरीदने को तैयार हो जाता है, तो यहाँ पर क्रेता के हक के बारे में बताया गया है। क्रेता क्या है, बी है, मतलब जो कोई को लेना है उसके हक के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब दूसरी बात बताता है क्रेता, अब दूसरी बात बताई गई है कि पट्टेदार। अब पट्टेदार क्या है, तो पट्टा एक व्यक्ति होता है, ए, ए कहता है मेरी स्थावर संपत्ति पर तुम क्या कर लो, उपभोग का अधिकार कर लो, ठीक है। तो उपभोग का अधिकार करने को कहता है किसको, बी को। तो वो पट्टे पर ले लेता है, पट्टे पर देने के लिए इसने कहा है इन्हें कि मैं तुम्हें ये संपत्ति पट्टे पर दे दूंगा, तुम मुझे इतने पैसा देते रहना, ठीक है। तो अब पट्टे पर दिया है उसने संपत्ति को, तो बी को देने को कहता है। तो यहाँ पर बी, यहाँ पर जो जिसके लिए पट्टे की बात की गई है, जिसे पट्टा देना है, तो उस व्यक्ति की, और जिसे संपत्ति बेचना है उस व्यक्ति की, यहाँ पर अधिकार के बारे में बात की गई है। तो अब जो कोई बेचता है वो क्या होता है, विक्रेता होता है, और जो कोई पट्टा करता है वो क्या कहता है, पट्टा करता कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं, क्रेता या पट्टेदार के उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसका अधिकार कोई हक नहीं या अपूर्ण हक है। अब इसमें क्या है कि ये जो क्रेता है या पट्टेदार है, ठीक है, इसको जोन भी व्यक्ति कहते हैं कि मेरी संपत्ति जो है ऐसा खरीद लो तुम, तो जो कहता है कि मेरी संपत्ति है वो खरीद लो, वो विक्रेता हो गया। और जो कहती है मेरा संपत्ति है इसको तुम ले लेना इतने पैसे में कुछ भी करके और पट्टे पर ले लेना, ठीक है, देने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पट्टा करता है। तो यहाँ पर विक्रेता और पट्टेदार के विरुद्ध क्या क्या जो अधिकार हैं वो अर्जित किए जा सकते हैं, यदि उनकी संपत्ति नहीं थी फिर भी कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी संपत्ति बेच दूंगा, तो उनके लिए अधिकार की बात की गई है कि जो कोई ऐसी लेने को सहमत हो जाता है इन्हें कौन कौन से अधिकार दिए जा सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट बताता है, जहाँ कोई व्यक्ति जिसका कोई हक नहीं या केवल अपूर्ण हक है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हक नहीं है या फिर अपूर्ण हक है, मतलब बहुत छोटा सा हक है ही नहीं हक। कतिपय स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर देने की संविदा करता है, तो क्रेता या पट्टेदार के इस अध्याय के अनुबंधों के अधीन निम्नलिखित अधिकार होंगे। इसमें यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति, पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है क्या, कि कोई व्यक्ति जिसका कोई हक नहीं है, दूसरी बात, या अपूर्ण हक है, इसी के साथ हम प्लस करेंगे, ये तीसरा नहीं है, या अपूर्ण हक है, जिसका हक नहीं है या अपूर्ण हक है, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट है कि कतिपय स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर देने की संविदा करता है, और क्या कहता है, कोई व्यक्ति जिसका कोई हक नहीं किसी स्थावर संपत्ति पर, और कहता है कि इस स्थावर संपत्ति को विक्रय करने की या पट्टे पर देने के लिए संविदा करता है, ठीक है, या तो विक्रय के लिए संविदा की है या पट्टे पर देने के लिए संविदा की है। तो क्रेता या पट्टेदार के इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन निम्नलिखित अधिकार होंगे। तो जिस व्यक्ति से ऐसी संपत्ति बेचने की प्रवंचना की है, जिस व्यक्ति को ऐसे पट्टे पर संपत्ति देने को कहा गया था, तो जिसको देने को कहा गया था उस व्यक्ति के अधिकार यहाँ पर बताए गए हैं कि उस व्यक्ति के अधिकार होंगे इन उपबंधों के अधीन, जो इस एक्ट में और भी जो धाराएं बताई गई हैं उनके अधीन क्रेता और पट्टादार के निम्न अधिकार होंगे। तो पहला है, यदि विक्रेता या पट्टाकर्ता ने संविदा के बाद संपत्ति में कोई हित अर्जित किया है, तो क्रेता या पट्टेदार ऐसे हित में से संविदा की पूर्ति करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा, ठीक है। अब इसमें यह है कि जिस भी क्रेता या पट्टेदार ने, दो बातें यहाँ पर की गई हैं, यदि कोई क्रेता है, ठीक, विक्रेता है और पट्टाकर्ता। विक्रेता कौन है, जो ए है वो कह रहा था बी से कि मेरी ये संपत्ति है और तुम इसे क्या कर लो, खरीद लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विक्रेता हो गया, ये क्या हो गया, एक मिनट,
जो बी है यहाँ पर क्रेता हो गया और ए है यहाँ पर विक्रेता हो गया। ठीक है, अब जो विक्रेता है वो ऐसी संपत्ति पर देने के लिए बात कर रहा था, बेचने की बात कर रहा था जो उसका था ही नहीं। तो यहाँ पर बी के अधिकार के बारे में बात की गई है कि यदि जो क्रेता है सद्भाविक क्रेता है तो उसके साथ ऐसी प्रवंचना की जाती है तो उसके क्या अधिकार हैं। तो ये ए पॉइंट है वो यही बताता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, मतलब बी है, कोई सद्भाविक क्रेता है और विक्रेता या पट्टाकर्ता ने संविदा के बाद संपत्ति में कोई हित अर्जित कर लिया है। अब जो ए है तो ए ने क्या किया था कि ए ने कहा था कि ये मेरी संपत्ति है, ये झूठ कहा था और बी को बेचने को कहा था। यहाँ पर बी तैयार हो जाता है, परंतु अगर इसमें यही बात की गई है कि यदि सच में ए का अधिकार, जो व्यक्ति है जिसने झूठी प्रवंचना की थी कि मैं ऐसी संपत्ति तुम्हें बेच दूंगा, उसका सच में उस संपत्ति पर अधिकार अर्जित हो जाता है, मतलब वो खरीद लेता है या फिर उसे किसी भी प्रकार से मिल जाती है। जैसे कोई पोता है, पोता कहता है अपने दादाजी की संपत्ति कि मेरे दादा मेरी संपत्ति है, इसे तुम खरीद लो। ठीक है, तो अभी तो वो नहीं खरीद सकता क्योंकि अगर दादा नहीं दे रहा है पोते को तो फिर तो वो बेच ही नहीं सकता है। परंतु उसमें ये बात की गई है कि यदि अगर उस पोते को ही वो संपत्ति जो है गिफ्ट कर दी जाती है, तो अब वो संपत्ति कैसे भी करके उसके पास आ गई, पोते के पास आ गई, तो पोता का ये अधिकार कर्तव्य होगा और जो जिससे उसने प्रवंचना की थी, मतलब जिस व्यक्ति को कहा था कि मैं तुम्हें बेच दूंगा, उस व्यक्ति का ये अधिकार होगा कि उस संपत्ति को जिस पर उसने हक अर्जित कर लिया है विक्रेता ने, तो उस संपत्ति को वो प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यदि विक्रेता या पट्टाकर्ता ने संविदा के बाद में संविदा में कोई हित अर्जित कर लिया है, संविदा के बाद संविदा की थी कि मैं तुम्हें ऐसा जो संपत्ति है वो विक्रय कर दूंगा या फिर पट्टा कर दूंगा, ठीक है, परंतु जब इनने संविदा की थी तब उन संपत्ति पर उसका उनका कोई हक नहीं था, तो जब भी वो ऐसा हक अर्जित करेंगे, तो कोई हक अर्जित जब भी करेंगे तो ऐसे हक अर्जन के टाइम पे क्या हो जाएगा कि यदि वो हक अर्जित करता है ऐसा विक्रेता या पट्टा करता, तो क्रेता या पट्टेदार में से हित में संविदा की पूर्ति करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा। तो क्रेता क्या होगा, जैसे संपत्ति मिलनी थी, ठीक है, क्रेता या पट्टेदार यदि पट्टा किया है तो पट्टेदार होगा और विक्रय करने के लिए कहा था तो क्रेता होगा। तो क्रेता और पट्टेदार का ये कर्तव्य होगा कि जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति मिल गई है उससे वो संपत्ति प्राप्त कर सके और उसे बाध्य कर सके संपत्ति देने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है जहाँ हक की विधिमान्यता के लिए अन्य व्यक्तियों की सहमति आवश्यक है और वे विक्रय या पट्टाकर्ता के निवेदन पर सहमत होने के लिए बाध्य हैं, तो क्रेता या पट्टेदार ऐसी सहमति उपाप्त करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा और जब हक को विधिमान्य करने के लिए अन्य व्यक्ति द्वारा कोई हस्तांतरण आवश्यक हो, वे विक्रेता या पट्टाकर्ता के निवेदन पर हस्तांतरण करने के लिए बाध्य हैं, तो क्रेता या पट्टेदार ऐसा हस्तांतरण उपाप्त करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। ठीक है, अब जो ए है, ए ने अपना, ठीक है, ए ने क्या किया, बी को कोई संपत्ति दी। ठीक है, अब जो ए है पट्टा करता था या फिर विक्रेता था, ठीक है, पट्टा करता था या विक्रेता था, मतलब जो कोई कहता है कि मैं तुम्हें बी को, बी से कहता है दूसरे व्यक्ति से कि मैं तुम्हें जो है वो संपत्ति बेच दूंगा, तो विक्रेता हो गया ए यहाँ पर। यदि ये ए कहता है कि मैं तुम्हें संपत्ति पट्टे पर कर दूंगा, तो यहाँ पर ये कौन हो गया, पट्टा करता हो गया। ठीक है, तो अब ये हैं, अगर इनने जब ये संविदा की थी कि मैं तुम्हें संपत्ति बेच दूंगा, तब उस टाइम पर ए का कोई अधिकार नहीं था उस संपत्ति पर जिसको उनने कहा था कि मैं तुम्हें बेच दूंगा, तब उसका अधिकार नहीं था। ठीक है, परंतु यदि कोई ऐसा है, अब जैसे ए है, ए के कहने पर जिसकी वो संपत्ति है, जिस संपत्ति को बेचने को कहा था ए ने, वो उसकी संपत्ति तो नहीं थी, परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति थी जिससे ए कहता, यदि सी की संपत्ति थी, सी किसका, जैसे ए का पुत्र है सी, ठीक है, तो अब ए यदि कहेगा सी से कि तुम्हारी जो संपत्ति है वो मुझे बेचना है, ठीक है, और उसने पैसा वगैरह दे रखा होगा सी को, तो यहाँ पर सी जो है वो बाध्य है कि वो अपनी संपत्ति ए को दे दे। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जिसने प्रवंचना की थी उसके कहने पर जिसकी संपत्ति है वो यहाँ पर देने के लिए बाध्य हो, तो इससे संपत्ति इसको मिल जाएगी और इससे संपत्ति इसको चली जाएगी। ठीक है, फिर से देखते हैं कि जैसे कोई संपत्ति थी, ए ने कहा था कि इस संपत्ति पर पट्टा कर लो या फिर विक्रय कर लो, इतने रुपए में तुम इसको खरीद लो, ये मेरी संपत्ति है, ये जो संपत्ति है ये मेरी है। ठीक है, ए ने ऐसा बी से कहा, बी यहाँ तैयार हो गया। अब क्या है कि जो संपत्ति ये
ये वाली है, रेड वाली संपत्ति जो है वो किसकी है? सी की है। अब सी कौन है? सी ए का अभिकर्ता है, या फिर सी का पुत्र है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जो यदि ए कहेगा, जिसने ऐसी प्रवंचना की थी कि मैं तुम्हें संपत्ति दे दूंगा, तो वो व्यक्ति अगर कहता है उस व्यक्ति से जिसकी स्वयं की संपत्ति है कि मुझे ये संपत्ति दे दो, तो वो संपत्ति ऐसी दे देगा, वो बाध्य है। सी यहाँ पर बाध्य हो, मतलब ए ने क्या किया हो, पहले कोई कंडीशन वगैरह ऐसे करके रखा हो सी के साथ कि मैं तुम्हारी ये संपत्ति ले लूंगा, या बंधक है, जैसे सी ने क्या किया है, बंधक किया है, मूल ऋण नहीं चुका पाया है, तो वो संपत्ति किसको? अब सी ए को देने के लिए बाध्य है ना? तो मतलब ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है जिसकी संपत्ति है वो जिसने प्रवंचना की थी उसे देने के लिए बाध्य हो जाता है, कैसे भी करके उसके पास आ जाती है, मतलब इसके कहने पर संपत्ति वो दे देगा, सी ए को दे देगा। ए के कहने पर ए कहेगा अगर सी से कि तुम मुझे ये संपत्ति दे दो, तो सी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जिस संपत्ति को बेचने की प्रवंचना की गई है, जिस व्यक्ति से की गई है, ए ने कहा था, ठीक है, और एक जिसकी संपत्ति बेचने को कहा है वो यदि उसके कहने पर तैयार हो जाता है, मतलब सी की संपत्ति बेचने को कहा था बी से, तो ऐसी सिचुएशन है जिसने कहा था तो उसके कहने पर जिसकी संपत्ति है वो देने को तैयार हो जाता है, तो उसको संपत्ति ऐसी देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मतलब ए से कहा जा सकता है कि सी जो है वो तुम्हारी बात मान लेगा, इसलिए जाओ तुम उस व्यक्ति से संपत्ति लाओ, और वो संपत्ति किसे दे दो? बी को संपत्ति दे दो, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट जी, हमारे ये वाला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा है, जहां विक्रेता विलंगम रहित संपत्ति के विक्रय की प्रवंचना करे किंतु संपत्ति क्रय धन से अनधिक किसी राशि के लिए बंधकित है, और विक्रेता को वस्तुतः केवल उसके मोचन का अधिकार है, तो क्रेता उसे बंधक के मोचन के लिए और विधिमान उन्मोचन, और जहां आवश्यक हो बंधकदार से कोई हस्तांतरण भी अभिप्राप्त करने के लिए बाध्य है। यहाँ पर यह बताया गया है, जहाँ विक्रय विलंगम रहित ठीक है, संपत्ति के विक्रय की प्रवंचना करे, कोई व्यक्ति है ए है, वो कहता है कि मेरी ये वाली जो संपत्ति है इस पर किसी भी प्रकार का भार नहीं है, ठीक है, बी से कहता है कि इस संपत्ति को तुम खरीद लो, बी यहाँ तैयार हो जाता है, या फिर ए कहता है कि पट्टे पर कर लो, ठीक है, तो बी यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसने कहा था कि ये जो मैं तुम्हें संपत्ति बेचने की बात कर रहा हूँ इस पर किसी भी प्रकार का भार नहीं है, मतलब ना तो इसके ऊपर भरण पोषण का भार है, ना ही इसे बंधक किया गया है कि इसका बंधक धन चुकाना हो, किसी प्रकार का भार नहीं है, ऐसा उसने कहा है, ठीक है। परंतु बाद में पता चलता है कि इस संपत्ति पर जो देने की बात कही गई है उस पर भार है, ठीक है। तो अब जो भार है वो कितना है, जैसे भार है 10,000 रुपये के लिए उसे बंधक पर रखा गया था, ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपए के लिए क्या किया था, ए ने सी को बंधक कर दिया था, ठीक है, ठीक है। अब सी को बंधक कर दिया था 10,000 रुपए के लिए, अरे ठीक है, 10,000 रुपए के लिए सी को बंधक किया था ए ने अपनी संपत्ति को। अब ए ने 10,000 के लिए सी को बंधक किया, और बी को बेचने के लिए वो कितने पे तैयार हो गया, 20,000 में बेचने को तैयार हो गया। उसने बी से ऐसे कहा कि मेरी जो संपत्ति है तुम 20,000 में खरीद लो, उस पर किसी भी प्रकार का भार नहीं है, ठीक है, बी यहाँ तैयार हो जाता है। बाद में पता चलता है कि इसने ये जो संपत्ति है किसी को क्या कर दी है, बंधक पर दी गई है, जिसे मोचन कराने पर उसे लिया जा सकता है। तो बी अब जो क्रयधन है जिसमें वो खरीद रहा था, जो बी है क्रयधन है, जो मतलब जिस धन से वह खरीद रहा था, 20,000 में वो संपत्ति खरीदने वाला था, उससे कम रकम के लिए उसे क्या किया गया है, बंधक पर रखा गया है ना, मतलब 10,000 के लिए बंधक पर रखा गया था। तो यहाँ पर बी का ये अधिकार होगा, बी इसे ये कह सकता है कि मुझे जो तुम्हारे 20,000 देना है इस संपत्ति को खरीदने के लिए, तो 10,000 जाकर तुम क्या करो, सी को दे दो, और ये जो संपत्ति है उसका मोचन करा लो, ठीक है, और 10,000 तुम रख लो। 20,000 देने की बात की है, तुम्हारे पास पैसा नहीं था इसलिए तुमने क्या किया है, दूसरे के पास बंधक है, ठीक है। अब वो जो क्रय धन है जिससे मुझे खरीदना है वो धन ज़्यादा है, और जो बंधक पर रखा है वो कम है, तो जितना मुझे देना है उतना मैं दे दूँ, ठीक है, उससे कम की अवस्था में पैसा दे दिया जाए किसको, उस स्वामी को, और स्वामी जाकर क्या करेगा, उस बंधक दार के पास संपत्ति का पैसा दे देगा, और जो संपत्ति है वो किसको, बी को दिलाई जा सकती है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को ऐसा दिया जाना है,
अब यहाँ पर क्या है जो चौथा पॉइंट है, वो क्या बात करता है? जहाँ विक्रेता या पट्टाकर्ता संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाए, हक के अभाव में या अपूर्ण हक के आधार पर वाद खारिज हो जाए प्रतिवादी को, अच्छा उसका निक्षेप यदि कोई हो। इसमें एक बात ये कही गई है कि देखो, जहाँ विक्रेता या पट्टाकर्ता संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाए, जो विक्रेता है ठीक है या पट्टाकर्ता है, वो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए यहाँ पर वाद लाता है। अब क्या है कि वो विक्रेता और बंधक जो करता है वो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाता है, परंतु जो न्यायालय है वो क्या कर देता है, ऐसा खारिज कर देता है वाद। न्यायालय कहता है कि तुम्हें जिस संपत्ति पर अधिकार चाहिए वो संपत्ति एक्चुअली में तुम्हारी नहीं है, और तुम चाहते हो कि मैं इस संपत्ति को बिकवा दूँ। ठीक है, जैसे ए है, ए न्यायालय से कहता है कि मेरी ये जो संपत्ति है इसको आप किसको, बी को बिकवा दीजिए, हम दोनों में संविदा हुई थी, हम दोनों में संविदा हुई थी कि जो संपत्ति है ठीक है उस संपत्ति को किसको, ये मुझे पैसा दे देगा और मैं इसे संपत्ति दे दूंगा। ठीक है, 10,000 रुपये देगा ये बी मुझे और मैं इसे ये वाली संपत्ति दे दूंगा। हम दोनों में ऐसी संविदा हुई थी, ए ने कहा था कि मैं तुम्हें संपत्ति दे दूंगा, बी ने कहा था कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जो ए है ठीक है, ए है, अब यहाँ पर जो बेचता है वो क्या है, विक्रेता है। ठीक है, विक्रेता है या फिर पट्टे की बात हुई थी तो पट्टा करता है। तो ए क्या कहता है, अब जो बी है, बी यहाँ पर मना करता है कि मैं आपकी संपत्ति नहीं खरीदूंगा, तो जो ए है वो न्यायालय में जाता है और कहता है कि ये जो बी है ये संपत्ति खरीदने से मना कर रहा है या फिर पट्टा करने के लिए मना कर रहा है, तो इसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जाए, मतलब मुझे मेरे पैसे दिलाए जाए और इसको संपत्ति दिला दी जाए। तो न्यायालय यहाँ पर मना कर देगा, न्यायालय मना कर देगा कि जिस संपत्ति को बेचने के लिए तुम कह रहे हो वो संपत्ति एक्चुअली में तुम्हारी नहीं है, तो मैं इसको बी को कैसे कह दूँ कि तुम उस संपत्ति को खरीद लो जो तुम्हारी है ही नहीं। ये बताओ कि जो आपकी संपत्ति है वो आपकी है ही नहीं और आप उसे बेचने की बात कर रहे हैं, तो न्यायालय कैसे बिकवा देगा। ठीक है, अब जब उस पर आपका अपूर्ण हक है इसलिए न्यायालय उसको नहीं बिकवाता है, तो अब क्या है, बी है, जो बी है, बी को यहाँ पर घाटा होता है क्योंकि बी को ही परेशानी होती है। बी ने यदि कोई पैसा दे दिया है ए को, तो यदि कोई जो निक्षेप कर दिया है, कोई पैसा दे दिया है 10,000 में से, यदि उसने 5,000 दे दिया था कि मुझे ये संपत्ति दे देना, 5,000 तुम रखो, या फिर कोई ब्याज दे दिया था या फिर अन्य खर्चे हैं, वो सारे खर्चे न्यायालय किसको, बी को दिलवाएगा, प्रतिवादी को दिलाएगा। ठीक है, दूसरे पक्षकार को दिलाएगा। ठीक है, यदि कोई जो संपत्ति का स्वामी है वो कहता है कि इसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जाए, मुझे संपत्ति बेचनी है या पट्टा पर करनी है और मुझे पैसे दिलाए जाए, न्यायालय कहता है जिस संपत्ति को बेचने की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी संपत्ति ही नहीं है, इस आधार पर उसका जो स्वामी का वाद है वो खारिज हो जाता है। अब क्या होता है कि जिसके पास संपत्ति जो दूसरा पक्षकार है जिसे संपत्ति लेनी थी, ठीक है, अब उस पक्षकार के यहाँ पर अधिकार के बारे में बात की गई है कि जो बी है, बी के क्या अधिकार होंगे, जैसे ऐसा क्रेता है या पट्टा जो दार है उसके क्या अधिकार होंगे, तो पट्टादार या क्रेता के ये अधिकार होंगे कि उन्होंने यदि कोई पैसा दे दिया है जिस संपत्ति के बदले के लिए उन्होंने कोई पैसा दे दिया है, तो वो पैसा प्राप्त कर सकते हैं, कोई ब्याज दे दिया है तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि अन्य कोई खर्चा दिया है तो उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, और धारणाधिकार का भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। धारणाधिकार मतलब वो संपत्ति पर तब तक उसे धारण कर सकते हैं जब तक कि वो जो विक्रेता है वो उसका पैसा पूरी तरीके से लौटा ना दे। जैसे 5,000 क्रेता ने दे दिया था कि तुम मुझे ये संपत्ति है, मुझे ये संपत्ति दे देना, ठीक है, 5,000 उसने एक्स्ट्रा दिया था, अब 5,000 जो है विक्रेता यहाँ पर नहीं चुका पा रहा, तो जब तक चुका नहीं पा रहा तब तक जो क्रेता है जिसे ऐसी संपत्ति मिली थी वह उस संपत्ति को धारण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, जो संविदा की विषय वस्तु थी। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है वो ये बताता है कि उपधारा 1 के उपबंध जहाँ तक हो सके जंगम संपत्ति के विक्रय या भाड़े की संविदाओं पर भी लागू होंगे। अब इसमें सेकंड पॉइंट में तो यही बताया गया है कि जो उपधारा 1 के उपबंध है वो कहाँ पर लागू होंगे, तो जहाँ तक हो सके जंगम संपत्ति के विक्रय पर, भाड़े की संविदाओं पर भी लागू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जंगम संपत्ति के विक्रय पर भी और भाड़े की संविदाओं पर भी ये हैं जो लागू होंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार सेक्शन 13 को। सेक्शन 13 बात करता है कि क्रेता या पट्टेदार के उस व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार जिसका कोई हक नहीं या अपूर्ण हक है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है
कि मैं तुम्हें ऐसी संपत्ति बेच दूंगा, तो वो क्या है? विक्रेता है। और जिसको बेचने को कहा गया है वो क्या है? क्रेता है। और यदि ऐसा कहा गया है कि मैं तुम्हें ये पट्टी पर दे दूंगा, तो जिसने कहा है कि मैं तुम्हें पट्टे पर दे दूंगा वो क्या है? पट्टा करता है। और जिससे कहा है वो पट्टेदार है। तो यदि किसी व्यक्ति ने कहा है कि मैं तुम्हें ये संपत्ति बेच दूंगा या क्या कर दूंगी, पट्टे पर दे दूंगा, तो अब जिससे कहा है वो क्रेता है या पट्टेदार है? ठीक है, तो इनसे कहा है, और उन लोगों ने क्यों कहा है? उस संपत्ति पर उनका कोई हक ही नहीं था, तब कहा है उनने कि मैं ये संपत्ति तुम्हें बेच दूंगा या क्या कर दूंगा, पट्टा कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्रेता या पट्टेदार के क्या अधिकार होंगे? तो पहला यहाँ पर यह बताया गया है कि जब तक कि कोई व्यक्ति जिसका कोई हक नहीं है, यह केवल क्या है? अपूर्ण हक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई हक नहीं है या फिर अपूर्ण हक है, स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर देने की संविदा करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई हक नहीं है या अपूर्ण हक है, मतलब उसका बहुत छोटा हक है, ठीक है, और स्थावर संपत्ति, अब जिस पर उसका हक ही नहीं है, उसी स्थावर संपत्ति को क्या है? विक्रय पर देने की या पट्टे पर देने की संविदा करता है। तो क्रेता या पट्टेदार के जो अपोजिट पार्टी है उसके यहाँ पर अधिकार होंगे इस अधिनियम के अधीन। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि पहला बताता है कि यदि विक्रेता या पट्टा करता ने संविदा के बाद संपत्ति में कोई हितार्जित कर लिया है, जो विक्रेता है जिसने कहा था कि मैं तुम्हें ऐसी संपत्ति बेच दूंगा, या पट्टा करता है जिसने कहा था मैं तुम्हें ऐसी संपत्ति पट्टे पर दे दूंगा, ठीक है, तो जिसने ऐसी बात कही थी वही व्यक्ति यदि उसी संपत्ति पर जिस पर उसने झूठा कहा था कि मैं तुम्हें ये संपत्ति बेच दूंगा या पट्टे पर दे दूंगा, उनका सच्ची में उस संपत्ति पर कैसे भी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, हित अर्जित कर लेते हैं, वो संपत्ति उनके पास आ जाती है वैध तरीके से, तो उस संपत्ति पर, उस संपत्ति को प्राप्त करने की ऐसे व्यक्ति हकदार होंगे। बाध्य किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को, विक्रेता को या पट्टा, विक्रेता को या पट्टा करता को, जिसने पट्टा किया था वही तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें ये संपत्ति दे दूंगा, ठीक है, पर वो तब कह रहे थे जब उन पर, उस संपत्ति पर उनका कोई हक नहीं था, परंतु इसमें ए में यही बात की गई है कि यदि उस संपत्ति पर उनका हक हो जाता है तो उस व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है कि वह अपनी संविदा की पूर्ति करें। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ अब जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, विक्रेता या पट्टा करता जो भी है, उसने जब कहा था कि मैं तुम्हें ये संपत्ति क्या कर दूंगा, विक्रय कर दूंगा या क्या कर दूंगा, पट्टा कर दूंगा, उसने तब कहा था जब उस संपत्ति पर उनका कोई हक नहीं था, अपूर्ण हक था, ठीक है, तो ई पॉइंट तो ये बताता है कि यदि हक अर्जित कर लेते हैं तो इस संपत्ति को देने को बाध्य किया जा सकता है पट्टादार को या फिर विक्रेता को। अब बी पॉइंट ये बताता है कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि ये मेरी संपत्ति है, ए ने यदि कहा था कि ये मेरी संपत्ति है, बी से मैं तुम्हें बेच दूंगा, अब क्या करता है कि वो ऐसी व्यक्ति ने कहा था और ऐसी व्यक्ति की संपत्ति बेचने को कहा था जो व्यक्ति जिसने कहा था उसकी बात मान लेगा, मतलब एक ही बात यहाँ पर, ए ने यहाँ पर संपत्ति देने को कहा था, एक ही बात यहाँ पर सी मान लेगा, ऐसा कोई व्यक्ति है बाध्य ऐसी एक ही बात मानने के लिए, तो यहाँ पर ए ने भले ही झूठी संविदा की है कि ये जो सी की संपत्ति है मैं तुम्हें दे दूंगा, बेच दूंगा, पट्टे पर दे दूंगा, परंतु यदि ये बात है कि जो सी है, सी को बाध्य किया जा सकता है कि वो ए की बात मान ले, मतलब यदि ए कहेगा कि संपत्ति को बेच दो तो सी यहाँ पर बाध्य हो जाएगा, कोई ऐसी कंडीशन है, तो ए को कहा जा सकता है, ए को बाध्य किया जा सकता है कि तुम सी से ऐसी संपत्ति मंगाओ जिसकी संपत्ति बेचने की तुमने बात की थी, और वो यहाँ पर बाध्य भी है तुम्हें अपनी संपत्ति देने के लिए, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे संपत्ति दो, मतलब सी से संपत्ति, सी बाध्य है ए को संपत्ति देने के लिए, ए बाध्य है यहाँ पर बी को संपत्ति देने के लिए, जिसने प्रवंचना की थी वो क्या है, वो यहाँ पर ए है, ए कहता है बी से कि मैं तुम्हें संपत्ति दे दूंगा, परंतु उसका कोई अधिकार नहीं होता, परंतु जिसका अधिकार होता है वह यहाँ पर ए की बात, जिसने प्रवंचना की थी देने की, उसकी बात मानने के लिए बाध्य है, तो ऐसे व्यक्ति से जिसकी स्वामी है, वास्तविक स्वामी है, उस स्वामी को यहाँ पर बाध्य किया जा सकता है जिसकी वह बात मानता है, मान सकता है, मतलब ए को, और वो संपत्ति बी को दिलाई जा सकती है, मतलब कोई ऐसे व्यक्ति है यदि कोई बात मानने के लिए यहाँ पर बाध्य है तो उसको बाध्य किया जा सकता है कि वह विक्रेता का या पट्टीकर्ता का यहाँ पर बात माने और संपत्ति क्रेता या पट्टीदार को दे दे, या उसका कब्जा भी उस क्रेता या पट्टीदार को दे दे, ठीक है, यदि कब्जा दूसरे पक्षकार के पास है तो। सी वाला पॉइंट बताता है कि जहाँ विक्रेता विलंगम रहे थे, अब जो व्यक्ति है वो कहता है, विक्रेता है, जो विक्रेता है वो संपत्ति, जो कोई कह रहा था कि मैं ये संपत्ति तुम्हें बेच दूंगा, तो उसने कहा था कि ये जो संपत्ति है, ये ने कहा था कि ये इसके ऊपर कोई भार नहीं है, ना ही भरण पोषण का, ना ही किसी प्रकार का कोई भार नहीं है, और मैं तुम्हें ये बेच दूंगा, तो बी से कहा था, तो जिस धन पर बेचने के लिए कहा था, यदि संविदा हुई थी कि 20,000 में तुम मुझे संपत्ति
बेच देना, तो जिस धन पर, यहाँ पर क्रय धन जो भी है, उससे कम के लिए उस संपत्ति पर वास्तविक में भार है। मतलब उसने जिस संपत्ति को बेचने को कहा था विक्रेता ने, उस संपत्ति पर उसने कहा था कि इस पर कोई भार नहीं है, परंतु उस पर भार था, और वह भार का कीमत जैसे 10,000 थी, मतलब क्रय धन से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है, अब बी को तो 20,000 में यहाँ पर संपत्ति खरीदनी ही है। ठीक है, और जो संपत्ति को क्या किया गया है, बंधक किया गया है 10,000 के लिए सी के पास। तो यहाँ पर बी के अधिकार की बात की गई है कि बी यहाँ पर क्या कह सकता है, बी कह सकता है कि मुझे तो 20,000 में तुम्हारी संपत्ति खरीदनी है, मतलब मेरा जो क्रय धन है वो ज़्यादा है, और जो तुमने संपत्ति बंधक पर दी है, बंधक पर की है, वो जो धन है वो कम है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो बी का अधिकार होगा, कि बी क्या कहेगा, बी कहेगा कि मुझे जो तुम्हारे 20,000 देने हैं, मैं तुम्हें पूरे पैसे देता हूँ, तुम जाओ इसमें से जो 10,000 है वो सी को दो, और सी से वो संपत्ति मोचन करा लो, जैसे बंधक की थी उससे मोचन करा लो, उससे प्राप्त कर लो, और वह संपत्ति मुझे दे दो, और बाकी के बचे हुए 10,000 तुम रखो। मतलब जो क्रय धन है वो ज़्यादा है, तो वह उतना पैसा दे सकता है कि बंधक की संपत्ति, जो बंधक की गई है संपत्ति, उसका जो जितना में मोचन होना है उतने का मोचन करा लो। ठीक है, परंतु तो इसमें बात यही होनी चाहिए कि क्रय धन से कम ही होना चाहिए जिस जिस धन के ऊपर बंधक किया गया है, तभी वह जो क्रेता है वो कहेगा कि इससे इतना पैसा प्राप्त करो और जाकर संपत्ति को छुड़ा लो। ठीक है, यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, 4 पॉइंट है, वो ये बात करता है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विक्रेता है या पट्टा करता है। ठीक है, पट्टा करता ने या विक्रेता ने कोई संविदा की है, और सामने वाला व्यक्ति जो है, ठीक है, क्रेता या पट्टादार, अब उस संविदा को पूर्णतः पालन नहीं कर रहा है, तो विक्रेता और पट्टादार क्या करते हैं, न्यायालय के पास जाते हैं कि ये संविदा का जो है पालन कराया जाए क्रेता और पट्टादार से। तो न्यायालय यहाँ पर खारिज कर देता है बाद को, बाद इसलिए खारिज करता है क्योंकि विक्रेता और पट्टादार का वहाँ पर पूर्ण हक नहीं था, इसलिए वो बात खारिज कर दिया जाता है। तो उस सामने वाले पक्षकार के, मतलब क्रेता और पट्टादार के यहाँ पर क्या क्या अधिकार होंगे, तो जो क्रेता है, यदि क्रेता ने कोई पैसा दे दिया है, प्रतिवादी लिखा हुआ है उनके लिए, यदि प्रतिवादी ने कोई पैसा दे दिया है, निक्षेप कर दिया है, तो वो, अब जो क्रेता है, क्रेता ने 5,000 दे दिया था कि एडवांस रखो मुझे संपत्ति दे देना, ठीक है 5,000 मैं बाद में दे दूंगा, तो जो 5,000 दिया है वो भी प्राप्त कर सकेगा, ब्याज यदि दिया है तो वो भी प्राप्त कर सकेगा, यदि कोई खर्चा किया है तो उसमें वो भी प्राप्त कर सकेगा, और यदि कोई हो, अब जब तक, मतलब जो क्रेता है या पट्टादार है, इन लोगों ने क्या किया है कि पहले पैसे दे दिए हैं कि तुम मुझे अपनी संपत्ति बेच देना या पट्टा कर देना, ठीक है, परंतु उन्हें बाद में वो नहीं मिलती है, तो यहाँ पर क्या है कि उनको वो सारे ब्याज जो खर्चा है सारा पैसा जो है वो मिल जाएगा। और जब तक कि विक्रेता, अब यहाँ पर एक और बात रखनी है यार, जब तक कि विक्रेता या पट्टा करता है पूरे पैसे नहीं चुका देता है, तब तक उस संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार किसका हो जाएगा, क्रेता का या पट्टा दार का। मतलब जिसे संपत्ति मिलने वाली थी उसने पैसा एक्स्ट्रा दे दिया है, उसे क्या है कि अभी पैसा नहीं लौटाया है, तो उसको यहाँ पर अधिकार हो जाएगा कि वह उसको धारण कर सकता है, जब तक कि उस संपत्ति पर उसे पूरा पैसा नहीं मिल जाता जिसने उसने दिया था, ये ब्याज वगैरह। उपधारा 2 कहता है कि उपबंध जहाँ तक हो सके जंगम संपत्ति के विक्रय या भाड़े की संविदाओं पर भी लागू होंगे। 2 कहती है कि उपधारा 1 के उपबंध जहाँ तक हो सकेगा तो जंगम संपत्ति के विक्रय या भाड़े की संविदाओं पर भी लागू हो सकेंगे इसके उपबंध। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, हमारा सेक्शन 40A है। 40A में क्या बताया गया है, न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति। न्यायालय है, न्यायालय का क्या है, उसकी शक्ति के बारे में यहाँ पर बात बताई गई है कि जो न्यायालय है वो विशेषज्ञ को नियुक्त करने की शक्ति यहाँ पर बताया गया है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अधीन किसी भी बात में जहाँ न्यायालय बाद में अंतर्वलित किसी विनिर्दिष्ट विवादक पर अपनी सहायता के लिए विशेषज्ञ की राय प्राप्त करना आवश्यक समझे वहाँ पर एक या अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा, उन्हें ऐसे विवादक पर उसको रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकेगा तथा साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए जिसके अंतर्गत उक्त विवादक पर दस्तावेज का पेश किया जाना भी विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा।
इसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये बात हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है कि सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब सीपीसी के ऊपर कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सीपीसी की बात आती है तो सर्वोपरि क्या होगी, सीपीसी की बात को रखा जाएगा, इसको नीचे कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सीपीसी की बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम में मतलब एसआरए में यदि किसी न्यायालय को लगता है कि किसी बात के निपटारे में उसे विशेषज्ञ की आवश्यकता है तो वह ऐसे विशेषज्ञ को, एक या अधिक विशेषज्ञ को राय के लिए आवश्यक समझता है तो वह यहाँ पर नियुक्त कर सकता है। ठीक है, न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि यदि न्यायालय को लगता है कि वो किसी विषय के संबंध में क्या चाहता है, विशेषज्ञ चाहता है, तो वह ऐसे एक्सपर्ट को नियुक्त कर सकता है जो एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और उन्हें ऐसा जो मामला है उन्हें वो मामला बताएगा और उन्हें उस मामले के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और कहेगा उन क्या बोलते विशेषज्ञ से कहेगा कि जब विवाद का निपटारा हो, विवादकों का दस्तावेजों का पेश किया जाना भी विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। उसमें क्या करेगा कि जब पेश किया जाना हो, दस्तावेज का पेश किया जाना हो, तब विशेषज्ञ की नियुक्ति, साक्ष्य जब दिया जाना हो, साक्ष्य के देते समय क्या होना चाहिए, विशेषज्ञ को उपस्थित होने की यहाँ पर अपेक्षा कर सकेगा। सेकंड पॉइंट बताता है कि न्यायालय किसी व्यक्ति को, विशेषज्ञ को सुसंगत सूचना देने या कोई सुसंगत दस्तावेज, माल या अन्य संपत्ति को उसके निरीक्षण के लिए पेश करने या उस पर पहुंच उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा या उसे निर्देश दे सकेगा। इसमें ये बताया गया है, अब जैसे विशेषज्ञ को बुलाया है तो एक्सपर्ट को क्यों बुलाया गया है, ताकि मामले का तथ्य का अच्छे से निर्धारण हो जा सके। अगर न्यायालय को थोड़ी बहुत किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न लग रही है तभी तो वो विशेषज्ञ को बुलाएगा। ठीक है, अब जैसे विशेषज्ञ को बुलाता है तो वो क्यों बुलाता है, ताकि उसका मामले का अच्छे से निपटारा हो जाए। तो अब जिस भी मामले का उसे निपटारा करना है तो जिस भी चीज़ के लिए उसने विशेषज्ञ को बुलाएगा तो उस विशेषज्ञ को उन सारे उस मामले से संबंधित सारे दस्तावेज, कागजात, जो भी चीज़ सुसंगत है उस मामले से, वो सारी चीज़ें किसको देगा, उस विशेषज्ञ को देगा, उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है वो यह क्या कहता है कि विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय रिपोर्ट बाद के अभिलेख का भाग होगी। अब तीसरी बात ये बताता है कि यदि जो रिपोर्टर है उसने कोई राय दी है तो राय क्या होगी, विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय वाद है, जो वाद में अभिलेख का भाग होगी और न्यायालय या न्यायालय की अनुज्ञा से वाद का कोई भी पक्षकार व्यक्तिगत रूप से विशेषज्ञ को खुले न्यायालय में उसको निर्दिष्ट या उसकी राय या रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी विषय पर उसकी राय या रिपोर्ट के बारे में, उस रीति से बारे में जिसमें उसमें निरीक्षण किया गया, परीक्षा कर सकेगा। पहली बात तो ये है, थर्ड क्लॉज ये बताता है कि जो विशेषज्ञ राय देगा तो वो राय क्या होगी, वाद में अभिलेख का भाग होगी और खुले न्यायालय में उसका जब विचार चल रहा होगा तो न्यायालय क्या करेगा, उस मामले के निर्धारण में खुले न्यायालय में, ठीक है, खुले न्यायालय में जब मामला चल रहा होगा तो उस विशेषज्ञ की जो राय दी हुई है तो उस राय की भी परीक्षा कर सकेगा कि आपने ऐसी राय क्यों दी है। जैसे उसने कहा, विशेषज्ञ कहता है कि सांप के काटने पर क्या होता है, नीला निशान पड़ता है, तो न्यायालय इससे ये जाँच कर सकेगा कि आपने तो कह दिया कि नीला निशान पड़ता है, इस पक्षकार का नीला निशान पड़ गया, परंतु तुम्हें ये कैसे पता कि ये जो नीला निशान है वो पड़ता ही है, तो इस तथ्य की भी जानकारी कर सकेगा कि जो विशेषज्ञ राय देता है तो वो क्यों देता है, किस आधार पर देता है। ठीक है, खुले न्यायालय में ऐसी जांच कर सकेगा। अब फोर्थ पॉइंट है कि विशेषज्ञ ऐसी कीमत, ऐसी फीस, खर्च या व्यय का हकदार होगा जो न्यायालय नियत करे, जो पक्षकारों द्वारा ऐसे अनुपात में और ऐसे समय पर संदेह हो जो न्यायालय निर्देश कर सकेगा। अब इसमें ये बात बताएगी कि अब जैसे विशेषज्ञ आएगा, ठीक है, एक्सपर्ट आया है तो वो किसके लिए आया है, न्यायालय ने इसलिए मंगवाया है एक्सपर्ट कि तुम्हारे मामले में यदि किसी पक्षकार है, अगर उसके मामले में उसे क्या हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है, कन्फ्यूज़न होता है तभी उसने एक्सपर्ट को बुलाया है ताकि इस तथ्य का निर्धारण अच्छे से किया जा सके। ठीक है, उसका प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा ना, ठीक है, अब तुम्हारे तथ्य का निर्धारण अच्छे से हो जा सके इसलिए उसने विशेषज्ञ को बुलाया है। अब विशेषज्ञ आया है तो उसका जो पैसा है वो कौन देगा, तो उसका पैसा तुम्हारे प्रॉफिट के लिए बुलाया है, तो क्या है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा, उसका जो खर्चा है, जिस भी पक्षकार के प्रॉफिट के लिए यहाँ पर विशेषज्ञ को बुलाया है तो वो जो विशेषज्ञ है वो खर्चा देगा, विशेषज्ञ नहीं सॉरी, वो पक्षकार यहाँ पर खर्चा देगा। और यहाँ पर कई पक्षकारों से भी अगर न्यायालय चाहता है, अन्य पक्षकार हैं तो अनुपात में मतलब जैसे दो पक्षकार हैं तो दो पक्षकार से यदि विशेषज्ञ का 1,000 खर्चा होता है तो दोनों पक्षकार से कहेगा कि 500-500 रुपये तुम दोनों दो, तो अनुपात में भी दिए जा सकते हैं, एक होगा तो 1,000 व्यक्ति, एक ही व्यक्ति क्या देगा, 1,000 रुपये दे देगा। ठीक है।
फिर से देखते हैं, सेक्शन 14 ने क्या कहता है, न्यायालय के विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति के बारे में 14 ए में बताया गया है कि जो न्यायालय है विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकता है। फर्स्ट में बताया गया है कि सीपीसी के उपबंधों को कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है, और न्यायालय यदि चाहता है तो अपने किसी बाद में विवाद का निपटारा करने के लिए एक या अधिक विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकता है, ठीक है, और उनसे ऐसी रिपोर्ट, उनकी जो राय है वो रिपोर्ट पेश करने को कह सकता है, ठीक है। जो विशेषज्ञ आएंगे तो अब जब जब साक्ष्य चल रहा होगा, साक्ष्य दिया जा रहा होगा न्यायालय में, विशेषज्ञ की राय का जो साक्ष्य है वो दिया जा रहा होगा, तब तो उस विशेषज्ञ की उपस्थिति की न्यायालय अपेक्षा करेगा कि जब ऐसा साक्ष्य दिया जाए तब जो विशेषज्ञ है वो वहाँ पर उस स्थान पर न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए, खुले न्यायालय में। दूसरा पॉइंट बताता है कि जो भी मामले में आपने विशेषज्ञ को नियुक्त किया है तो उस मामले से संबंधित जो भी सुसंगत चीज़ें हैं, दस्तावेज है, कोई सामान है, सारी चीज़ों को किसको, उस विशेषज्ञ को दिया जाना चाहिए, तब तो वो उसका निर्धारण करेगा। अब तीसरा बताता है कि जैसे ही उसका उसको सामान मिल गए, सुसंगत चीज़ें उसे मिल गई, तो वो उस तथ्य के आधार पर विशेषज्ञ है जो एक्सपर्ट है वो निर्धारण करेगा और अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा। अब उसके द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसकी राय के अनुसार पर वह बनाई जाती है, क्योंकि विशेषज्ञ तो मामले में नहीं गया है कि कब कहाँ क्या हुआ है, ठीक है, वो तो अपना ये जैसे उंगली चिन्ह वाले विशेषज्ञ आते हैं तो वो ये देखते हैं, कोई हस्ताक्षर वाले आते हैं तो वो ये चेक करते हैं कि इसका हस्ताक्षर ये ऐसा है, ठीक है, ये इसका हस्ताक्षर है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो न्यायालय ये भी देखेगा कि तुम जिस आधार पर कह रहे हो वो कौन सा आधार है जिस आधार पर तुमने ऐसी जो राय है वो बनाई है। तो न्यायालय थर्ड पॉइंट सीधी से ये बात करता है कि यदि कोई राय बनाई है विशेषज्ञ ने तो उस राय की भी परीक्षा न्यायालय यहाँ पर कर सकेगा। फोर्थ पॉइंट बनाता है कि जैसे ही अब यदि विशेषज्ञ आया है तो उसका जो खर्चा है पक्षकारों से लिया जाएगा, यदि एक से अधिक खर्चा है तो अनुपात में लिया जाएगा, मतलब आधा आधा कर दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कमी लगती है तो बता सकते हैं, और तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ये और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 15 देखने वाले हैं SRA का, तो देखते हैं इसमें क्या बात बताई गई है। इसमें कहा गया है, इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभी प्राप्त किया जा सकेगा। पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि यदि किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराना है तो वह इस अध्याय के अन्यथा उपबंधित के सिवा, जहाँ पर मना किया गया है तो उसका पालन नहीं कराया जा सकता, बाकी का तो यहाँ पर पालन किया जा सकता है। किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कि कौन कौन सी संविदाएँ हैं जिनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, परफॉर्मेंस यहाँ पर कराया जा सकता है, ठीक है। उस पहला देखते हैं उसमें कि किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का, जो कोई भी पक्षकार है, संविदा के जो भी पक्षकार हैं, जैसे ए कहता है बी से कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा और तुम मुझे 10 बोरी गेहूं के दे देना, यहाँ पर 10 बोरी गेहूं के दे देना, ठीक है। तो जो कोई कहता है कि 10 बोरी गेहूं के दे देना, तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप बी को या तो 10,000 रुपये, या फिर ये ए है वो 10,000 रुपये देने की मना कर रहा है, मतलब 10 बोरी गेहूं नहीं ले रहा, या फिर बी 10 बोरी गेहूं नहीं दे रहा ए को, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो या फिर ए भी यहाँ पर स्पेसिक परफॉर्मेंस करा सकता है, बी भी, संविदा के दोनों पक्षकार जहाँ संविदा होती है तो दोनों में से कोई भी स्पेसिक परफॉर्मेंस यहाँ पर करा सकता है। पहली बात तो ये हो गई। यहाँ पर सेकेंड वाला कहता है कि पहले में ये हो गया कि कोई भी पक्षकार करा सकता है, दूसरे में बताता है उसमें कि किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा। अब संविदा की गई है ए और बी के बीच में, ठीक है, तो इसका हित प्रतिनिधि क्या होगा, ए का हित प्रतिनिधि जहाँ तक उसके LR वगैरह होंगे, क्योंकि इससे जिसको भी फ़ायदा प्राप्त होना है तो ए है, इसको इससे जिस जिसको फ़ायदा प्राप्त करना है तो वो व्यक्ति, तो मतलब मैक्सिमम बच्चे ही फ़ायदा प्राप्त करते हैं अगर डायरेक्ट तौर पर देखें, इनडायरेक्ट अलग बात हो जाती है। तो जहाँ तक जैसे जो को इसमें ये बात याद रखें कि जो कोई भी व्यक्ति ए से यहाँ पर लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, मतलब ए की संपत्ति पर उसका भी अधिकार हो जाएगा ए के बाद, तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर वाद ला सकता है स्पेसिक परफॉर्मेंस के लिए। और हित प्रतिनिधि उसमें कि किसी भी पक्षकार के, मतलब दोनों पक्षकार के, बी या ए के हित प्रतिनिधि भी यहाँ पर वाद ला सकते हैं या मालिक भी वाद ला सकता है। अब ये क्या है, यदि ए या बी को नियुक्त किया गया था कि तुम मेरे साइड से संविदा कर लो, और मालिक कहीं विदेश में रह रहा है, मालिक ने कहा था कि तुम संविदा कर लो मेरा, तुम कारोबार संभालो या कुछ भी ऐसा काम करने के लिए उसने कह दिया, जैसे वो मालिक मुंबई में रहता है और मालिक की मिल की कम
कंपनी है, सोच लेते हैं कि जैसे ऑयल वगैरह की कंपनी है, तो अब जहाँ पर संविदा की जाती है कि क्या तुम मुझे 10,000 की जो तेल है, तेल के डिब्बे दे दोगे, ये वो करके कुछ भी, तो ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर संविदा करते हैं। तो जो एजेंट हैं, एजेंट ने यहाँ संविदा की है, ठीक है। अब जिससे संविदा की है तो सामने वाला पक्षकार मना कर देता है संविदा पूर्ति से, तो जिसको फ़ायदा मिलेगा, तो मालिक को फ़ायदा मिलेगा। मतलब यदि कोई अभिकर्ता के तौर पर, या सीधी बात अगर हम समझें तो कोई यदि सर्वेंट की, नौकर के तौर पर काम कर रहा है, किसी के साइड से संविदा कर रहा है, तो उसका मालिक भी यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बात ला सकता है। और कौन है, और उस पक्षकार के हित प्रतिनिधि। तो पहले वाले में हमने देखा कि कोई भी पक्षकार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बात ला सकता है, फिर है कि उसी पक्षकार के कोई हित प्रतिनिधि भी यहाँ पर बात ला सकता है, या मालिक भी यहाँ पर बात ला सकता है। इसमें परंतु बताया गया है, जहाँ की ऐसे पक्षकार की विद्युत कौशलता, शोधन क्षमता या व्यक्तिक गुण संविदा का तात्विक अंग हो, या जहाँ की संविदा उपबंध करती हो कि उसका हित समुन्निदेशी नहीं किया जाएगा, वहाँ उसका हित प्रतिनिधि या उसका मालिक संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करने का हकदार ना होगा। इसमें ये बताया दिया गया है, जैसे संविदा की गई थी कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा, और तुम कौन यहाँ पर, जैसे उनने कहा कि रानू मंडल से कह दिया, रानू मंडल सिंगर हैं, रानू मंडल से कह दिया कि तुम मेरे यहाँ पर क्या करने आना, यहाँ पर गाना गाना आना, और मैं, मेरे यहाँ फंक्शन है और मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा। कोई भी ऐसा कहता है, ए कहता है, ठीक है। अब जो रानू मंडल है वो यहाँ पर क्या है, उसकी व्यक्तिगत शोधन क्षमता पर है, मतलब उसकी कौशलता है। इसकी जगह पर दूसरे को गवाया नहीं जा सकता है कि रानू मंडल कह दे कि नहीं मैं नहीं, कोई और आ जाए। तो वही बात बताई गई है कि यहाँ पर जहाँ पर सीधे सीधे कह दिया गया है कि संविदा उसके आधार पर की गई है, कौशल के आधार पर, उनकी व्यक्तिगत गुण के आधार पर किया गया है कि तुम मेरे यहाँ पर गाना गाना, ए ने कहा था रानू मंडल से। अब रानू मंडल नहीं आता है, नहीं आती है, तो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, ठीक है। और वहाँ उसका जो है हित प्रतिनिधि है, अब उसमें क्या है कि तात्विक अंग हो, जहाँ की संविदा उपबंधित करती हो उसका हित समुन्निदेशित नहीं किया जाएगा। जिस संविदा में लिख दिया है, जैसे उनने कहा था कि ए ने कहा था कि आप मेरे यहाँ पर गाना गाना, रानू मंडल से कहा था, ठीक है, और इस संविदा में उसने, रानू मंडल ने हाँ भी कह दिया, और इसी संविदा में ये भी लिख दिया है कि मेरी जगह पर कोई, मतलब रानू मंडल की जगह पर कोई और अन्य भी गाना गाने नहीं आएगा, मैंने आपको ही बुलाया है तो आप आएंगे। रानू मंडल भी यहाँ कह देती कि हाँ ठीक है कि मैं आऊँगी। समुन्निदेशी का मतलब ये है कि उसके स्थान पर किसी दूसरे को नहीं रखा जाएगा, जहाँ पर ऐसी संविदा की गई है कि तुम मेरे यहाँ ऐसा काम करना संविदा की है, और ये भी कहा है कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं आएगा, तो फिर उसकी जगह पर कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, उसे ही ऐसा जो है इस पे वो काम करना होगा, ठीक है। जब तक कि ऐसे पक्षकार ने संविदा के अपने भाग का विनिर्दिष्ट पालन करने पहले ही ना कर दिया हो, या उसके हित प्रतिनिधि या उसके मालिक द्वारा किया गया उसका पालन दूसरे पक्षकार द्वारा पहले ही प्रतिगृहित ना कर लिया गया। अब इसमें यह है कि जैसे रानू मंडल को पैसे देने थे, ठीक है, तो रानू मंडल को जैसे 50,000 की बात हुई थी कि 50,000 देंगे और तुम हमारे यहाँ पर आके गाना गा देना, ठीक है, तो उसका जो ये व्यक्ति कौशल है इसको किसी और को दिया भी नहीं जा सकता। संविदा में लिख दिया गया है कि रानू मंडल आएंगी तो वहीं आएंगी, इनका स्थान किसी को नहीं दिया जा सकता। पहली बात तो यह है कि समुन्निदेशित नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर क्या किया है कि 30,000 पहले ही दे दिए हैं रानू मंडल को कि आप 30,000 रुपये रखिए और मेरे यहाँ पर 20 तारीख को गाना गाने आ जाना, ठीक है, 20 तारीख को गाना गाने आ जाना। अब 30,000 रुपये पहले पकड़ा दिए, तो पहले अगर ऐसा पकड़ा दिया है और फिर रानू मंडल नहीं आ पाते हैं, तो रानू मंडल क्या करते हैं कि अपने साइड से मेका सिंह को भेज देती हैं, मेका सिंह भी सिंगर है ना, मेका सिंह को भेज देती हैं यहाँ को, यहाँ पर कि आप जाकर यहाँ पर गाना गा लीजिए। तो जो मिका सिंह आते हैं तो उनको ये लोग क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जिससे संविदा की गई थी, जैसे ए ने संविदा की थी रानू मंडल से कि आप मेरे यहाँ पर आना, ठीक है, रानू मंडल ने भी कह दिया था कि मैं आऊँगी, तो वहाँ पर यदि ऐसा नहीं लिखा गया है कि मेरी जगह पर दूसरा इंसान भी आ सकता है, तो जिस व्यक्ति के लिए कहा गया है वही व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वाद लाएगा, उसी के खिलाफ यहाँ पर वाद लाया जाएगा, ठीक है। अब उसकी जगह पर किसी अन्य को नहीं रखा जा सकता, परंतु इसमें ये बात बताई गई है कि अब यदि
जिससे गाना गवाना था, जिसकी व्यक्तिगत शोधन क्षमता के लिए ऐसा काम करना था, उसको पहले एडवांस दिया है, मतलब कुछ पैसे दे दिए गए हैं, और फिर उसने मना कर दिया है कि मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊँगी, तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरे को भेज देती है अपनी जगह पर, दूसरे को यदि भेज देती है, और सामने वाले पक्षकार ने जिससे क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसे स्वीकार कर लिया है, तो फिर यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बाद नहीं लाया जा सकता। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बाद यदि लाना है तो उसके हित प्रतिनिधि या मालिक, पहला तो है उसमें कि कोई भी पक्षकार ला सकता है, फिर उसके हित प्रतिनिधि या मालिक भी ला सकता है। ठीक है, अब मालिक भी कब लाएगा, परंतु जहाँ की उसकी व्यक्तिगत शोधन क्षमता पर आधारित, मतलब किसी व्यक्ति की उसके अंदर जो भी गुण है उसके आधार पर ऐसी संविदा की गई है, तो उसको किसी अन्य को देने की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर क्या है, तो तब तक यहाँ पर बात नहीं लाया जाएगा यदि उसने अपनी जगह पर किसी अन्य को भेज दिया है और आपने स्वीकार कर लिया है संविदा में। ठीक है, जो कोई व्यक्ति यहाँ पर संविदा का पालन नहीं कर पा रहा था, उसने अपने साइड से किसी को भेज दिया है और आपने क्या किया है, स्वीकार कर लिया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बात नहीं लाया जा सकता, अन्यथा आप प्राणुमंडल के खिलाफ यहाँ पर बात ला सकते हैं। ठीक है, सी पॉइंट कहता है जहाँ की संविदा विवाह पर या व्यवस्थापन पर या एक ही कुटुंब के सदस्यों के बीच संदेहपूर्ण अधिकारों का कोई समझौता हो, वहां तदनिम फायदा पाने के हकदार किसी भी व्यक्ति द्वारा। अब इसमें ये देखते हैं कि विवाह के लिए क्या है। अब जैसे ए ने बी से कहा, बी कौन है, लड़की का पापा, लड़की का पापा है, की का पापा है, और ये क्या है, लड़के का, बॉय का, ये बॉय का पापा है। ए ने क्या कहा बी से कि अगर आपकी लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी, जो सी है, ठीक है, आपकी लड़की क्या करेगी, मेरे बेटे किससे, डी से शादी करेगी, तो मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा। यहाँ पर ए ने यहाँ पर क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया, किससे किया, बी से किया, अन्य पर्सन से। यहाँ पर फ़ायदा किसको मिलना है कि यदि आपकी बेटी जो है मेरे बेटे से शादी कर लेती है तो यहाँ पर मैं उसे पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो यदि वो शादी कर लेती है, सी जो है यहाँ पर शादी कर लेती है, तो यहाँ पर वाद लाने का अधिकार किसे होगा, सी को होगा, जिसे उसका फ़ायदा मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है वही यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बात ला सकता है। अब दूसरी कंडीशन देखें, विवाह वाली तो हमारी कंप्लीट हुई, अब दूसरी है कुटुंब के सदस्यों के बीच। अब जैसे दो भाई हैं, दो भाई कहते हैं, तीन भाई हैं समझ लेते हैं कि एक परिवार के तीन भाई हैं, एक भाई उसमें से बहुत गरीब है, तो दो भाई क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो छोटा भाई है वो बड़ा गरीब है, तो हम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसको दे देंगे, दो लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हम किसे दे देंगे, अपने भाई को दे देंगे। किसको दे देंगे, जो एक भाई बचा हुआ भाई है, मतलब सी सोच लें, यदि ए बी भाई थे, ए बी सी थे, ए बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम अपनी प्रॉपर्टी सी को दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब इसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो यहाँ पर बात कौन ला सकता है, सी बात ला सकता है, जिसको ऐसा प्रॉफिट मिलना था। अब हमारा अगली बात आती है, यहाँ पर डी की बात आती है, जहाँ की किसी आजीवन अभिधारी द्वारा किसी शक्ति के सम्यक प्रयोग में कोई संविदा की गई है, वहाँ शेष भोगी द्वारा। अब जो हमारा ये है पॉइंट, ठीक है, डी वाला पॉइंट, डी वाले पॉइंट में ऐसा है कि जो 1937 का है, उसका जो एक्ट था, उसके पहले ये जो डी और ई काम करते थे, अब काम नहीं करते हैं, परंतु फिर भी देख लेते हैं क्या है। डी में बताया गया है जहाँ की किसी आजीवन अभिधारी द्वारा, नहीं डी नहीं, ई और एफ पहले काम करते थे, सॉरी 1937 के पहले, 1937 के पहले ये ऐसा प्रावधान था 1937, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले डी देख लेते हैं। डी क्या बात करता है, डी में बताया जहाँ किसी आजीवन अभिधारी द्वारा किसी शक्ति के सम्यक प्रयोग में कोई संविदा की गई है, वहाँ शेष भोगी द्वारा। इसका मतलब ये है कि जैसे ए ने संविदा की बी से, ठीक है, कि मेरी ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या है कि तुम अपने जीवन काल तक अपने पास रखो, और जैसे ही तुम्हारा जीवन काल ख़त्म हो जाएगा तुम किसको, सी को दे देना ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ए ने कहा बी से कि तुम्हारे पास मैं अपनी प्रॉपर्टी रखता हूँ, और जब तुम्हारा जीवन काल ख़त्म हो जाएगा, मतलब अपने जीवन काल तक तुम इस प्रॉपर्टी को रखो, जिससे ऐसे रखने को कहा गया, आजीवन अभिधारी, मतलब आजीवन वो उसको उपभोग करें, ठीक है, उसको अभिधारी के तौर पर यूज़ करें, किराए के तौर पर यूज़ करें, मतलब आजीवन तुम इसको रखो, सुरक्षित रखो, और जब
आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपकी मृत्यु के बाद ये संपत्ति सी को चली जाएगी, ठीक है। अब ए ने क्या किया है, बी से ऐसी संविदा की है। बी क्या करता है कि बी की जो प्रॉपर्टी है, बी मर जाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, बी मर जाता है। तो जब बी मर गया है तो अब यहाँ पर जो बाद लाने का अधिकारी कौन हो जाएगा, सी। सी यहाँ पर बाद लाने का अधिकारी हो जाएगा, सी बी के खिलाफ। या फिर बी ने किसी, यदि डी को भी वो संपत्ति दे दी है कि तुम रखो अपने पास कुछ दिन के लिए, संविदा की है, जैसे कौन ऐसा किया था, ऐसे ध्यान रखते हैं, जैसे ए ने बी से कहा था कि मेरी ये जो संपत्ति है उसे तुम अपने पास रखो, ठीक है, और जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी वो फिर संपत्ति किसके पास, सी के पास चली जाएगी। अब बी ने यहाँ पर पट्टी पर दे दी संपत्ति को, संपत्ति को क्या कर दिया, पट्टी पर दे दिया। अब उसने जब पट्टी पर दिया, पट्टी पर दे दिया किसको, डी को दिया। अब डी को उसने एक साल को पट्टी पर दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम तुम्हें 3 साल को पट्टी पर देते हैं, डी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी ने, बल्कि उसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि उसने कहा कि हम तुम्हें 3 साल को देते हैं, ये एग्जांपल देख रहे हैं, पट्टी पर 3 साल ख़त्म होने से पहले ही 1 साल में ही क्या है, बी की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। अब बी की मृत्यु हो गई तो संपत्ति का हकदार सी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डी का 2 साल बचा भी हुआ है, फिर भी ये जो सी है वो डी के खिलाफ बाद ला सकता है और संपत्ति विनिर्दिष्ट पालन को कह सकता है, ठीक है। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है ई, ई और एफ हमारा जो है। अब ई एफ को हमें देखना है, 1937 के पहले काम करते थे, 1900 पहले जो है रिवर्सनल एक्ट था, उसके तहत ऐसा था कि यदि कोई पुरुष है, ठीक है, उसकी पुरुष की जो संपत्ति है वो उसकी विधवा पत्नी को जाती है, परंतु विधवा पत्नी के पास जाती है तो वो एक लिमिटेड इंटरेस्ट रखती है, मतलब जब तक कि वह जीवित है उसका भरण पोषण ही कर सकती है, उस ऐसी विधवा को, ऐसी संपत्ति को बेचने बेचने का कोई अधिकार नहीं होता है, और वो बैंक में होगी उसके, अब उसके अगर बच्चे होंगे तो बच्चे को चली जाएगी, और बच्चे नहीं होंगे तो उसके मम्मी पापा, उसके भाई वगैरह को वो संपत्ति आ जाएगी। जैसे ए है, 1937 के पहले हम बात देखते हैं कि ए है, एक की बीबी है बी, ठीक है, ए की बीबी बी है। अब 1937 के पहले क्या होता था कि यदि कोई संपत्ति है और जो जिस व्यक्ति की संपत्ति है वो मर जाता है तो उसकी संपत्ति किसको, उसकी बीबी को जाएगी, परंतु जिस बीबी को जाती है तो वो विधवा पत्नी होती है, तो विधवा को ऐसा लिमिटेड इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब सीमित हित होता है ऐसी विधवा का, वो इस संपत्ति को बेच नहीं सकती है। अब यदि ए और बी के बच्चे होते हैं तो संपत्ति, यदि सी उनके बच्चे हैं तो सी को चली जाएगी, अगर बच्चे नहीं हैं तो बैक होके ए की फैमिली मेंबर को, यदि भाई आई हैं ए का, जैसे डी हो गया अगर कोई भाई है, तो वो संपत्ति डी को चली जाएगी, ठीक है। अब 1937 के पहले ही ये काम करते थे, फिर भी हम देख लेते हैं ई एफ में क्या बात बताई गई, अब हमें समझने में आसानी होगी। ई बताता है, सा कब्जा उत्तर भोगी द्वारा जहाँ की करार ऐसी प्रशंविदा हो जो उसके हक पूर्व वाधिकार के साथ की गई हो, और उत्तर भोगी उस प्रशंविदा के फायदे का हकदार हो। इसमें ये बात की गई है, ठीक है, ए ने क्या कहा, ए की बीबी, इसी एग्जांपल को देखते हैं, ए की बीबी बी है, ठीक है। 1947 के पहले ये नियम ही था कि यदि, अब जो ए है, जो व्यक्ति की बीबी है, व्यक्ति है यहाँ पर मर जाता है, ठीक है, व्यक्ति मर जाता है तो अब उसकी संपत्ति किसको जाएगी, बी को जाएगी। अब यदि उसकी संपत्ति बी को जाती है और इनकी जो पुत्र वगैरह नहीं है, ठीक है, तो अब इनकी संपत्ति किसको जाएगी, इसका ए का जो भाई है डी को चली जाएगी। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसका बात कौन ला सकता है, तो ए यदि मर जाता है, ठीक है, तो उसकी संपत्ति बी को चली जाती है। अब बी जब तक कि उसका जीवन काल रहता है उसे उसकी संपत्ति में यूज़ करने का अधिकार होता है। अब जब बी मर जाएगी, ठीक है, तो बी के मरने के बाद संपत्ति किसको चली जाएगी, डी को चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर यदि बी ने अपने जीवन काल में किसी को पट्टे पर भी दे दिया था कि क्योंकि उसे भरण पोषण के लिए आवश्यकता थी संपत्ति की, तो उसने क्या किया, पट्टे पर सी को दे दिया, ठीक है, तो पट्टा समाप्त होने से पहले ही यहाँ पर बी मर जाती है। पट्टा समाप्त होने के पहले यदि बी मर जाती है तो यहाँ पर उसकी जो संपत्ति है, उसके बच्चे तो थे नहीं, तो उसके भाई ए का जो भाई है उसको मिलेगी। तो अगर पट्टी पर उसने किसको दी थी, सी को दी थी, तो अब जो संपत्ति बैंक में होके किसको जाएगी, डी के पास चली जाएगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा। अब एफ वाला पॉइंट क्या कहता है, एफ पॉइंट कहता है, शेष के उत्तरभोगी द्वारा जहाँ की करार वैसे प्रशंविदा हो और उत्तरभोगी उसके फायदे का हकदार हो, उसके भंग के कारण तात्विक क्षति उठाएगा। अब इसमें यह है, उसी कंडीशन को हम आगे लेते हैं कि एक मिनट,
कि ए की संपत्ति थी, ए मर गया तो उसकी संपत्ति बी को चली गई, ठीक है। अब जो बी मर जाना था, तो बी के मर जाने के बाद जो संपत्ति है वो किसको चली जानी थी, ए के भाई वगैरह को चली जानी थी, जो डी था, ए के भाई डी को चली जानी थी, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है, परंतु यहाँ पर अभी बी मरी नहीं है कि संपत्ति पूर्ण तरीके से डी का अधिकार हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो बी है वो मरी नहीं है, परंतु जो बी है, बी ने अपनी जो संपत्ति है पट्टी पर दी थी, किसको, एफ को दी थी, मान लेते हैं एफ को पट्टी पर दी थी। अब जो एफ है पट्टी पर दी थी, उस पर खुदाई का काम कर देता है या कोई और, मतलब इलीगल कोई गलत जिस काम के लिए दी थी उससे भिन्न कोई कार्य करता है, तो यहाँ पर डी का अधिकार हो जाता है कि जो डी है इससे क्या कहे, इससे कहे, बी से कहेगा कि जो जिस काम के लिए दिया गया था संपत्ति वो नहीं कर रहा है, तो मतलब डी को लास्ट में संपत्ति मिलनी है, तो उसका ये अधिकार हो जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति से जो ऐसी क्षति कर रहा है उससे जो है संविदा की पूर्ति करे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराए। अगला पॉइंट है वो ये बताता है एफ ई, ई हो गया है हमारा, एफ बी हो गया है हमारा। एफ ई बताता है कि जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहाँ उस नई सीमित दायित्व भागीदारी दो जो सम्मेलन से उत्पन्न होती हो। इसमें ये बात है कि जब कोई सीमित दायित्व वाली भागीदारी कंपनी है, ठीक है, कोई सीमित दायित्व वाली भागीदारी कंपनी है, LLP है, मतलब है ना, LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, सीमित भागीदारी वाला दायित्व है जहाँ पर, तो दो ऐसी जहाँ पर कंपनी मिल जाती हैं, तो इन दोनों के मिलने से जो एक नई कंपनी बन जाती है, ठीक है, इनने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अब ये लोग यहाँ पर बाद लाने के अधिकारी हो जाते हैं। मतलब सीमित दायित्व वाली भागीदारी कंपनी के साथ यदि दूसरी भी सीमित भागीदारी वाली कंपनी भी मिल जाती है, तो ऐसी जो दूसरी जो नई बनती है, तो वो यहाँ पर बाद लाने की अधिकारी हो जाती है। जैसे इन लोगों का यहाँ पर किसके साथ, सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसका, अब जिस सीमित दायित्व वाली भागीदारी कंपनी थी, ठीक है, तो इसका, इसने एक और सीमित भागीदारी वाली कंपनी के साथ मिल गया है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, पूरा एक हो गया है, और इनका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था, सी के साथ था, तो यहाँ पर क्या है कि ये पूरी कंपनी भी सी के साथ, मतलब सी ने यदि कॉन्ट्रैक्ट कोई भंग किया है, कुछ किया है, तो सी के लिए यहाँ पर वाद ला सकती है। कोई दो भागीदारी कंपनी मिलकर मिल जाती हैं, यदि कोई दो भागीदारी कंपनी यहाँ पर यदि मिल जाती हैं सीमित दायित्व वाली, तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ पर उन्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वाद लाने का अधिकार मिल जाता है। अब यहाँ पर एफ ई 2018 में जोड़ा गया है, ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है। अब जो जी है, जी में बस यही फ़र्क है, यहाँ पर भागीदारी कंपनी कहा है और यहाँ पर कंपनी कहा है, कोई दो कंपनी है, एक कंपनी है। जैसे जबकि किसी कंपनी ने संविदा की है और तत्पश्चात वह किसी दूसरी कंपनी में समामिलित हो गई है, तब उस सम्मेलन से उद्भूत नई कंपनी, जैसे एक ए नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, उसने सी नाम की किसी कंपनी से संविदा की है, अब जो ए नाम की कंपनी है वो बी नाम की कंपनी के साथ मिल गई है, तो अब जो दो कंपनी हैं, तो ये इसका नाम क्या हो गया, ए बी है, तो ए बी भी यहाँ पर सी के लिए यहाँ पर बाद लाने का अधिकार हो जाती है, परंतु कब, जबकि, परंतु यह तब जबकि कंपनी ने संविदा को प्रतिगृहित कर लिया है, कंपनी जो है, कंपनी ने संविदा को प्रतिगृहित कर लिया हो और संविदा के दूसरे पक्षकार को ऐसा प्रतिग्रहण संसूचित कर दिया है। मतलब जब एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के साथ मिक्स हुई थी, तो उसने इसको क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि मैं यहाँ पर मिक्स हो गई हूँ, और सामने वाले पक्षकार को, जैसे सी के साथ यहाँ पर संविदा की थी, तो उसे भी ये बता दिया है कि हम दो कंपनी मिलकर एक कंपनी हो गए हैं, तो उसने भी स्वीकार कर लिया है कि चलो ठीक है, तुम लोग भी यहाँ पर साथ हो गए हो, तो फिर यहाँ पर वो बात लाने का ऐसा अधिकारी हो जाता है। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार, हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 15 क्या कहता है, कौन विनिर्दिष्ट पालन अभी प्राप्त कर सकता है, पहली बात इसमें ये बताई गई है। तो इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभी प्राप्त किया जा सकता है। जब तक कि इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित ना हो, तो नीचे बताए गए जो नाम है ये लोग क्या कर सकते हैं, संविदा का विनिर्दिष्ट जो पालन है वो करा सकते हैं। कौन कौन करा सकता है, तो पहली बात यहाँ पर बताई गई है कि संविदा का कोई भी पक्षकार, दो पक्षकार होते हैं, तो दोनों में से कोई भी पक्षकार यहाँ पर विनिर्दिष्ट पालन के लिए यहाँ पर वाद ला सकता है। अब जो दूसरा है वो क्या बताता है, उसमें से
उसमें से किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक। अब जो पक्षकार है उस पक्षकार के हित प्रतिनिधि भी यहाँ पर वाद ला सकते हैं या मालिक भी यहाँ पर वाद ला सकता है, परंतु यह तब, अब जी मालिक या हित प्रतिनिधि वाद कब लाएंगे, जबकि यदि कोई व्यक्तिक, अगर किसी की व्यक्तिक गुण था, ठीक है, तो उसी को गाने के लिए कहा गया था, ठीक है, जैसे गाने वाली हमने बात ली थी कि ए से गाने को कहा गया तो वही गाना गाएगा, ठीक है, परंतु जिससे गाना गाने को कहा था वह गाना नहीं गाता है, और इस संविदा में जब संविदा हुई थी कि आप ही इस संविदा का पूर्ण तरीके से पालन करेंगे, जैसे गाना गाने के लिए रानू मंडल से कहा था, रानू मंडल यहाँ पर तैयार हो जाती हैं, और संविदा में लिख भी दिया गया था कि आप ही इस संविदा का पालन करेंगे, मतलब दूसरे व्यक्ति से पालन नहीं कराएंगे, तो यहाँ पर अगर वो व्यक्ति यहाँ पर रानू मंडल नहीं आती है, अब संविदा थी, संविदा में व्यक्तिगत गुण पर आधारित थी, ठीक है, व्यक्तिगत गुण पर आधारित थी, गाना गाने के लिए बुलाया था, डांस के लिए बुलाया था, या किसी भी ऐसे गुण के लिए बुलाया था, जैसे शाहरुख खान को बुलाया था तो बस उनके व्यक्तिगत गुण के लिए बुलाया था कहीं जगह पर, ठीक है, अब उनसे संविदा की थी और ये भी कहा था कि आपको ही ऐसी जो पालन है उसको करना होगा, संविदा का समुन्देशी नहीं होगा, मतलब किसी अन्य को आप अपनी जगह पर नहीं रख सकते, ठीक है, फिर यदि शाहरुख खान या रानू मंडल या कोई भी ऐसी व्यक्ति गुण वाला व्यक्ति नहीं आता है तो जो है उसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, परंतु इसका एक और परंतु बात करता है कि यदि उसके हित प्रतिनिधि या उसके मालिक द्वारा, अब यहाँ पर क्या किया है कि समुदेशी के लिए क्या है, यहाँ पर मना किया है कि वह अपनी जगह पर किसी अन्य को नहीं भेजेगा, परंतु जैसे कि रानू मंडल को गाना गाने के लिए बुलाया था तो उसके लिए कुछ यदि एडवांस दिया था, मतलब सामने वाले पक्षकार ने, एक पक्षकार ने क्या कर दिया था, कुछ पैसा, कुछ अपना दायित्व तो निभा दिया था, मतलब कुछ पैसे दे दिए समझो, अब जब पैसे दे दिए तो अपना उसने कुछ दायित्व निभा लिया था और उसने अपने साइड से किसी को भेज दिया, रानू मंडल ने, रानू मंडल को सामने वाले पक्षकार ने क्या है 10,000 रुपये दे दिए कि आप यहाँ पर जो है अपना पालन करा देना, मैंने अपना कुछ पालन कर दिया है, अब रानू मंडल नहीं आई तो रानू मंडलिया ने यहाँ पर किसको, मीका सिंह को भेज दिया, मीका सिंह को भेज दिया, और जो हित प्रतिनिधि हैं और उनके प्रधान हैं, स्वामी हैं उस संविदा के, उनने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है वो नहीं गा रही, आप ही गा दो, जब उनने गा दिया तो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर बाद नहीं लाया जा सकता। फिर से देखते हैं कि यदि किसी पक्षकार है, ए बताता है कि संविदा का कोई भी पक्षकार यहाँ पर वाद लाने का अधिकारी होगा, दूसरा बताता है कि उसके हित प्रतिनिधि या मालिक भी वाद ला सकते हैं, पर मालिक या हित प्रतिनिधि वाद कम नहीं ला सकते, तो उसके लिए बात की गई है कि पहली बात तो ये बताता है कि मालिक या हित प्रतिनिधि वाद कब ला सकते हैं, तो पहली बात तो ये है कि यदि किसी व्यक्ति के गुण पर आधारित कोई संविदा की गई है तो वह अपने गुण के लिए प्रसिद्ध है और वह व्यक्ति से संविदा की है कि आप अपनी जगह किसी और को नहीं देंगे, फिर भी वह किसी अन्य को नहीं देगा और फिर भी वो व्यक्ति नहीं आता है तो उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पर कराया जा सकता है। यहाँ पर दो बात करता है, ठीक है, कि यहाँ पर जैसे हित आपकी कौशल क्षमता पर आधारित था, कोई व्यक्ति गुण था इस वजह से आपको बुलाया जा रहा है, आप अपनी जगह पर किसी अन्य को नहीं भेजेंगे, ठीक है, फिर भी जिस व्यक्ति को बुलाया था वो यहाँ पर नहीं आता है तो उसके लिए यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बाद लाया जा सकता है, तो कौन लाएगा, हित प्रतिनिधि या मालिक लाएगा। अब दूसरी बात बताता है कि अब जहाँ पर, जहाँ आपको ऐसी व्यक्ति को बुला रहे थे जिसकी व्यक्तिक गुण वगैरह थे तो उसको बुला रहे थे, उसके लिए आपने कुछ पैसा जमा कर दिया, अपना भाग का दायित्व का कुछ पालन कर दिया है, अपने पहले भाग का क्या कर दिया है, पालन कर दिया है, अब जब आपने ऐसे अपने भाग का पालन कर दिया है और सामने वाला भी कुछ अन्य कार्य कर रहा है, मतलब रानू मंडल नहीं आई थी तो आप यहाँ पर ऊपर तो बात ला सकते थे, परंतु रानू मंडल को आपने पहले पैसे दे दिए और रानू मंडल ने अपनी जगह किसी अन्य को भेज दिया और आपने क्या कहा कि ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया उसको, सामने वाले पक्षकार ने दूसरा जो भी भेज दिया तो उसको आपने स्वीकार कर लिया, तो फिर यहाँ पर आप उसके खिलाफ बात नहीं ला सकते, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर, तो जो काम है वो तो हो ही गया, आपको जो कराना था उसने नहीं किया, उसने जिसको भेजा तो यहाँ पर उसने काम कर दिया, तो आपको जैसे चावल चाहिए थे, आपने कहा था राम यहाँ पर चावल लेकर आएगा, ठीक है, अब राम चावल नहीं लेकर आता है, संविदा में ये भी कहा था कि यदि राम चावल लेकर नहीं आएगा तो संविदा के लिए विनिर्दिष्ट पालन लाया जाएगा, तो ये बात सही थी, ठीक है, अगर राम चावल सच में लेकर नहीं आता है तो आप बात ला सकते हैं कि राम यहाँ पर चावल लेकर नहीं आया है, परंतु यदि जो राम है वो लेटर लिख देता है, किसी भी तरीके से आपको इन्फॉर्म कर देता है कि शर्मा जी मैं यहाँ पर नहीं आ पाया हूँ, ठीक है, मैं जो राम हूँ यहाँ पर नहीं आ पाया हूँ, परंतु रामू हैं,
ठीक है, रामू काका को मैं भेज रहा हूँ, वो आपको चावल पहुँचा देंगे। तो आप कहें कि मुझे तो चावल चाहिए है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप लाएँ कि कौन लाए, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है। तो फिर रामू काका आ जाते हैं, तो रामू काका अब जब आ गए हैं और आपने उसे स्वीकार कर लिया है, उसने अपनी जगह दूसरे को दे दी, तो फिर आप स्पेसिक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर बात नहीं ला सकते। अब जो सी पॉइंट कहता है कि अब यदि कोई संविदा इसलिए की गई थी, संविदा विवाह के व्यवस्थापन के लिए की गई थी, ठीक है, सेटलमेंट के लिए, या फिर कुटुंब के परिवार में, ठीक है, कुटुंब के सदस्यों के बीच संदेहपूर्ण अधिकारों का कोई समझौता हो। विवाह में क्या था कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, ठीक है, अगर आप मेरी बेटी से शादी करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मेरे बेटे से शादी कर लो, मेरे लड़के से शादी कर लो, और बेटी से कहा है, तो जिस बेटी से कहा है उस बेटी ने यहाँ पर शादी की है, तो जिस बेटी को यहाँ पर फ़ायदा मिलना था, कहा था कि मैं बेटी को ये ज़मीन दे दूँगा, तो वो बेटी यहाँ पर वाद लाने की अधिकारी हो जाती है, ठीक है, ये एग्जाम्पल देखा था। अब कुटुंब वाली बात है, तो कुटुंब में ऐसा है कि दो तीन भाई रहते हैं, तीन में से दो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम जो है हमारी संपत्ति हमारे छोटे गरीब भाई को दे देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, फ़ायदा किसको, छोटे भाई को मिलना है, तो छोटा भाई यहाँ पर बाद लाने का अधिकारी हो जाता है। इस वाले पॉइंट में क्या होता है कि ए ने बी को कहा कि जो संपत्ति है वो तुम अपने पास अपने जीवन काल तक रखो, फिर अपने जीवन काल के बाद सी को दे देना। अब जैसे ही बी की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति जहाँ पर भी होगी सी उस व्यक्ति से यहाँ पर अपनी जो संपत्ति है क्या है कि स्पेसिक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर वाद ला सकता है। ईएफ जो हमारे हैं, ईएफ हमारे 1937 के पहले काम कर रहे थे, ये हमने पहले बता ही दिया है, 1937 के पहले ये बात थी कि यदि कोई संपत्ति है उस पर उसकी विधवा का अधिकार हो जाता है, परंतु विधवा को कितना लिमिटेड इंटरेस्ट मिलता है, मतलब वो अपनी उस संपत्ति को उपभोग कर सकती है अपने जीवन यापन के लिए, परंतु उसे बेचने का अधिकार नहीं होता। तो इसमें ई में बताया गया है कि यदि कोई ऐसा है कि एक कोई व्यक्ति था, उसकी बीवी थी, ठीक है, वो मर जाता है, उसकी बीवी जो है उसके मरने के बाद अब जो बीवी है वो भी मर जाएगी, जो ए है वो मर जाएगा, तो उसकी संपत्ति बी को जाएगी, अब बी मर जाएगा तो उसकी संपत्ति कहाँ जाएगी, बी मर जाएगी तो उसकी संपत्ति जो ए के परिवार वाले हैं, ए का जो भाई वगैरह होगा डी, उसके पास संपत्ति चली जाएगी, क्योंकि ए बी के कोई बच्चे नहीं थे, ई बी के बच्चे होते तो उनके एलआर को चली जाती, ये हमारा ई बताता है। एफ बताता है वही कंडीशन है कि ए यहाँ पर मर जाता है, फिर संपत्ति बी को चली जाती है, अब जो बी को चली जाती है तो बी ने यहाँ पर जैसे पट्टे पर दी थी संपत्ति, पट्टे पर संपत्ति दी थी, तो यहाँ पर अब इनके बच्चे नहीं हैं तो संपत्ति किसको, बैंक में तो जाएगी डी को, ए के भाई को, ठीक है, अब ये पट्टे पर संपत्ति दी थी किसको, एफ को दी थी, तो जो पट्टे पर संपत्ति यूज़ ना करके एफ किसी अन्य कार्य के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा है, तो डी यहाँ पर इसके एफ के खिलाफ बाद ला सकता है, और जिस काम के लिए क्षति हो रही थी किसको, उसको हो रही थी, क्योंकि लास्ट में उसे मिलना था, तो वो यहाँ पर बाद ला सकता है। एफ ए बताता है कि जब किसी सीमित दायित्व ने कोई करार किया है, ठीक है, तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व, सीमित दो सीमित दायित्व वाली कंपनियों ने करार किया है और क्या किया है, ये दोनों मिल गई हैं, तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये कंपनी जो है वो इसके खिलाफ बाद लाने की अधिकारी हो जाती है, ठीक है, या फिर ये भी। अब जो इसके आगे वाला पॉइंट है वो ये बताता है कि यहाँ पर कंपनी की बात बताई गई है कि जब दो कंपनी मिल जाती हैं, एक भागीदारी वाली बात हो गई है, फिर यहाँ पर क्या है कि दो कंपनी जब मिल जाएंगी, तो दो कंपनी के मिलने पर, ठीक है, उससे जो नई कंपनी उद्भूत होती है तो वो यहाँ पर बाद लाती है। यहाँ पर क्या था कि दो सीमित दायित्व वाली भागीदारी कंपनी मिलती है, और यहाँ पर क्या है कि दो कंपनी मिल जाती हैं, तो जब ये दो कंपनी मिल जाएंगी तो ये यहाँ पर बाद लाने के अधिकारी हो जाएंगे जिसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब जो एच है वो एच बताता है, जबकि किसी संपत्ति के संप्रवर्तकों ने उसके निगमन के पहले कंपनी के प्रयोजन के लिए कोई संविदा की हो और संविदा निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो, तब उस कंपनी द्वारा, मुझे लगता है मैं ये पहले बताना भूल गई, अभी जो मैंने बताया है ये रिवाइज करा रही हूँ तो बता रही हूँ, सॉरी। ये जो लास्ट वाला एच पॉइंट है, एच वाले पॉइंट में है कि जैसे किसी कंपनी का निर्माण करना है तो कंपनी के जो संप्रवर्तक रहता है, ठीक है, कंपनी का संप्रवर्तक रहता है, एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, जैसे ए है, ठीक है, ए क्या करता है, कंपनी को करने के लिए वो बहुत सारे लोगों से यहाँ पर धन लेता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है,
ठीक है, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अब जो बाद लाने का अधिकारी वो कौन हो जाएगा? जब ये कंपनी का निर्माण हो जाएगा तो संप्रवर्तक की जगह पर वो कंपनी यहाँ पर बाद लाने की अधिकारी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि किसी कंपनी का निर्माण होना है तो संप्रवर्तक है जो कोई उस कंपनी को बना रहा है, निर्माण कर रहा है, पैसे ऐसे ले रहा है, कंपनी का निर्माण हो गया तो उसने जिस जिसके साथ संविदा की थी तो यहाँ पर क्या है कि वो जो कंपनी है वो बाद लाने की अधिकारी हो जाएगी, और तब हो जाएगी जबकि ऐसी कंपनी ने संविदा को प्रतिगृहित कर लिया है, जो कंपनी बनी है उसी में वो संविदा रखी गई है। ठीक है, जो उसने अन्य लोगों से की थी वो संविदा रख दी है, और ऐसी जो सूचना है अन्य पक्षकार को जिससे क्या किया है कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे ऐसी सूचना दे दी है कि मैंने जो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था अब ये कंपनी का निर्माण हो गया है, तो यहाँ पर वो बाद लाने का अधिकारी हो जाएगा और जो सामने वाला पक्षकार है वो भी यहाँ पर स्वीकार कर ले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं सेक्शन 17 हो चुका है, तो आज हम सेक्शन 17 बस देखेंगे। इसमें सेक्शन 17 क्या बताता है कि संपत्ति को विक्रय करने या पट्टे पर देने की संविदा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका उस पर कोई हक नहीं है, विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं है, इसको हम एग्जांपल देखते हैं तो इससे समझ में आएगा। जैसे ए है, ए क्या कहता है बी से कि ये जो संपत्ति है, ये जो सी नामक संपत्ति है, इस संपत्ति का नाम सी है, ये जो सी नामक संपत्ति है, ए कहता है बी से कि ये जो सी नामक संपत्ति है ये मेरी संपत्ति है और तुम इसे खरीद लो। ठीक है, कितने में? 50,000 में खरीद लो। ठीक है, अब जब इसने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया और बी है, बी यहाँ पर तैयार हो गया कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पर तैयार हो गया हूँ लेने के लिए, फिर बाद में बी को यहाँ पर शक होता है कि शायद ये ए की संपत्ति नहीं है, या जिस भी वजह से वो संपत्ति नहीं खरीदता, जो बी है अब यहाँ पर संपत्ति नहीं खरीदता, तो फिर ए यहाँ पर न्यायालय से अगर कहता है कि बी से यहाँ पर विनिर्दिष्ट पालन कराया जाए, मतलब संविदा हुई थी कि ये मुझे 50,000 देगा और मैं इसे ये संपत्ति दूंगा, तो जब इसकी संपत्ति है ही नहीं तो किसी अन्य की संपत्ति न्यायालय तो यहाँ बेचने के लिए नहीं कह देगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसकी विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता, जो संपत्ति तुम्हारी नहीं है उसको तुम बेचने के लिए कैसे कह सकते। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर ए को शंका है, ए को लगता है कि शायद ये मेरी है और शायद नहीं है, जैसे पापा की संपत्ति है, मुझे लगता है कि ये जो पापा हैं संपत्ति मुझे देकर जाएंगे, बड़े भाई को नहीं देंगे, उसे ये शंका है, अब शंका है, इस आधार पर वो कह देता है बी से कि ये जो संपत्ति है मुझे मिलेगी और तुम इसको रख लो, तो बी जो है, बी यहाँ पर पहले मान जाता है कि हाँ ठीक है, फिर वो बाद में इस संपत्ति को नहीं खरीदता। ठीक है, तो अब जब बी यहाँ पर संपत्ति को नहीं खरीदता तो यहाँ पर ए जो है वो न्यायालय में वाद नहीं ला सकता है कि इस संपत्ति का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाए, और अगर वाद लाता है तो न्यायालय इस यह कहकर मना कर देगा कि जो तुम्हारी संपत्ति है उस पर तुम्हें शंका है कि वो तुम्हारी संपत्ति है, उस पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं है और वह तुम्हारी संपत्ति नहीं है, इसलिए उसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। यही बात है, अब इसको हम इसमें देख लेते हैं पॉइंटों में, कि संपत्ति को विक्रय करने या पट्टी पर देने की संविदा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका उस पर कोई हक नहीं है, विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराई जा सकती। ठीक है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है कहता है कि मैं पट्टी पर संपत्ति को दे दूंगा या विक्रय कर दूंगा, परंतु उसकी संपत्ति है ही नहीं तो वो ना तो पट्टी पर दे सकता ना विक्रय, तो जो भी ऐसा व्यक्ति कहता है तो उसका जो विनिर्दिष्ट पालन है वो नहीं कराया जा सकता, वो मतलब न्यायालय में वाद नहीं ला सकता है कि सामने वाले पक्षकार ने अपना कार्य नहीं किया है और मेरे साइड से ये विक्रय कराया जाए, अब जो तुम्हारी संपत्ति नहीं है उसको कैसे बेचा जाएगा। तो पहला पॉइंट कहता है किसी स्थावर संपत्ति के बेचने अथवा पट्टी पर देने की संविदा ऐसे विक्रेता अथवा पट्टीकर्ता द्वारा के पक्ष में विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराई जा सकती, मतलब किस भी, पहला पॉइंट ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति के पक्ष में विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। ठीक है, किसके पक्ष में? तो पहला है कि जिस जो यह जानते हुए कि संपत्ति पर उसका हक नहीं है बेचने की या पट्टे पर देने की संविदा करती है। पहली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति है जो जानता है कि उस संपत्ति पर उसका हक नहीं है फिर भी वो बेचने को कहता है या पट्टे पर देने को कहता है, तो फिर यदि सामने वाला व्यक्ति ऐसा ना तो पट्टे पर लेता है ना ही उसको क्रय करता है तो उसको विनिर्दिष्ट पालन के लिए बात नहीं लाया जाएगा। दूसरा बात करता है जिसने यद्यपि इस विश्वास के साथ संविदा की थी कि संपत्ति पर उसका अच्छा हक है, तथापि जो विक्रय की या पट्टी की पूरा करने के लिए पक्षकारों को न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय पर क्रेता या पट्टेदार को युक्तियुक्त शंका से रहित नहीं कर देता, मतलब जो क्रेता है उसको और पट्टेदार को शंका है कि ये जो संपत्ति है वो शायद इस व्यक्ति की नहीं है सामने वाले की, तो वो उसे नहीं खरीदता, तो न्यायालय को भी पता चलता है कि अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो विनिर्दिष्ट पालन के लिए यदि वाद लाता है तो न्यायालय मना कर देता है कि अभी भरोसा नहीं है कि ये जो संपत्ति है वो तुम्हें तुम्हारे पापा दे के जाएंगे वसीयत में या नहीं दे के जाएंगे।
ये एग्जांपल ले रही हूँ। अब ये जब कंफर्म ही नहीं है तो मैं कैसे फिर निर्दिष्ट पालन करा दूँ? तो फिर जो भी व्यक्ति को यदि शंका होती है कि वह उसको संपत्ति मिल सकती है, तो ना तो शंका के आधार पर, दूसरा पॉइंट कहता है संपत्ति को विक्रय या पट्टे पर दिया जा सकता है, और पहली बात तो ये कहती है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति नहीं है तो ना तो उसे विक्रय करेगा ना पट्टा करेगा। दूसरा कहता है कि यदि शंका भी है कि शायद उसकी संपत्ति हो सकती है, तब भी उसका विक्रय पट्टा नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो उपधारा है वो ये बात करती है कि उपधारा एक के उपबंध जंगम संपत्ति के विक्रय या अविक्रय की संविदाओं को भी यथाशक्ति लागू होंगे। मतलब ये है कि ये जो उपधारा एक के जो नियम है, उपधारा एक के उपबंध जंगम संपत्ति के विक्रय या अविक्रय की संविदाओं पर भी लागू होंगे। ये जो उपधारा एक के जो प्रबंध है, उपधारा एक में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो जंगम संपत्ति के ऊपर भी लागू होगा। मतलब जो अब जंगम संपत्ति क्या है बताइए? तो जंगम संपत्ति, ठीक है, तो जंगम संपत्ति तो आप जानते हैं जो चल वगैरह रहती है, चल अचल संपत्ति होती है। तो यहाँ पर जंगम संपत्ति के ऊपर भी ये जो ऊपर प्रावधान बताए गए हैं वो लागू होंगे, विक्रय या अविक्रय की संविदाओं को भी लागू होंगे। मतलब ये स्थावर संपत्ति के लिए नहीं है। अगर जंगम संपत्ति जैसे आपकी मोटरसाइकिल है जो चल संपत्ति होती है, उसे जंगम संपत्ति कहते हैं। अब जैसे मोटरसाइकिल वगैरह है उस पर यदि वो संपत्ति आपकी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं है आपकी और आप कहते हैं कि आप इसे खरीद लो, सामने वाला पहले तैयार हो जाता है फिर नहीं खरीदता है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि इन्होंने पहले बात किया था आप ये खरीद नहीं रहे, दूसरी की संपत्ति है तो कैसे बिकवा दी जाए। दूसरी बात यहाँ पर ये बताता है कि यदि शंका है कि शायद वो आपको संपत्ति मिलेगी परंतु कन्फर्म थोड़ी है, इसलिए भी वो संपत्ति का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।